ओके आर लाइव, यस और नो, इन द चार्ट सेक्शन आर वी लाइव चार्ट से भी नहीं पता लग रहा है वैसे भी नहीं पता चल रहा है जोश कमे लग रहा है आज आज इन्होंने इनको पता लग गया कि हमारे थ्री सिक्सटी वन थ्री सिक्सटी आने वाले कन्फर्म हो गए इनको पता है यस yes. हम्म hmm. आज इन बच्चों का कन्फर्म हो चुका है कि थ्री सिक्सटी वन थ्री सिक्सटी हमारे आने वाले हैं यस yes, बच्चों <laughs> है भाई पढ़ना नहीं है हा? पढ़ना नहीं है? छोड़ दी है भाई छोड़ वोड़ दी क्या पढ़ाई बंद कर दें टाइम चेंज कर देते सुबह साढ़े ग्यारह बजे यस yes. काय को इतना पेल लेना है रात के दस बजे ना तुम्हें ना मुझे सुबह साढ़े ग्यारह बजे कर यस क्यों मैम ने सीरीज़ रात के दस बजे रखी क्योंकि इसका एक ही मोटिव है पूरा दिन हमें क्या पढ़ना होता है तो रात का ही टाइम क्यों मैम ने चूज किया क्योंकि मुझे लगता है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वो दो इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे आपको इस टाइम पे हंड्रेड ध्यान देना चाहिए जस्ट टीचर

ये भी टाइम आपको दिया गया है और मैं क्या कहती हूँ बस रात के 10:00 बजे आगे रिवाइज कर लिया करो है ना यस yes. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आप कंसिस्टेंटली सीरीज को फॉलो करें बहुत सही स्पीड से हम 12 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं अब मात्र 20 चैप्टर बचे हैं जो भी हम बहुत स्पीड से कवर कर देंगे यस बच्चों सिर्फ 20 चैप्टर बचे आगे का पूरा प्लानर देख लिया चैनल पे जो मैंने दिया है हां बेटा सानिया पूरा का पूरा वो देख लिया प्लानर जो मैंने आगे के क्या हमें करना है कैसे हमें करना है लेकर आई हूँ हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन क्योंकि इस वाले चैप्टर में ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि इसका आंसर क्या होगा तो इसलिए बच्चों मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ आज तो तैयार है आज स्टार्ट करते हैं आज हमारे डे फोर्टीन और हम शुरू कर रहे हैं जिन भी बच्चों को इस चैप्टर के डीपीपीस चाहिए या गोल्ड नोट्स चाहिए जो मैं अभी बनाने वाली हूँ वो सबके सब आपको नीट अड्डा के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे ठीक है इमीडिएटली आफ्टर द सेशन में सारे के सारे डीपीपी और नोट्स यहाँ पे सेंड कर देती हूँ इमीडिएटली आफ्टर द सेशन आपको रुकना भी नहीं पड़ेगा तुरंत से भेज देती हूँ मैं ठीक है तो ये आप ज्वाइन कर लेना बच्चों इसका ले लो ये आपकी फ्री टेस्ट सीरीज है जो कि अड्डा की ऐप पर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की ऐप पर हो रही है इस टेस्ट सीरीज में जो जो टॉपिक्स में कवर कराती जा रही हूँ उसके हम डीपीपी भी कर रहे हैं फिर हम उसका टेस्ट भी दे रहे हैं समझ लो बच्चों समझ लो बात समझ लो गहराई समझो वजन देखो इस बात का कितना है पहले हम सेशन पूरा करते हैं चैप्टर पूरा कंप्लीट करते हैं मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको सेशन में भी करा रही है फिर आपको डीपीपी करनी है स्टेप नंबर टू बायो में और स्टेप नंबर थ्री आपको फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करना है अड्डा की ऐप पे जो कि हर संडे होता है एवरी संडे होता है और हर संडे ये शाम के छह बजे होता है ये देखिए बस और इस बार जो सिलेबस है देख रहे हो ये वाला टेस्ट हो चुका है ये वाला टेस्ट हो चुका है ये वाला अब हमें करना है ये वाला इसके लिए हमें प्रिपेयर करना है इसके लिए एक टॉपिक रह गया एनिमल टिश्यूज जो मैं कल कवर कराऊंगी यस ठीक है यहां पे कौन सा एनिमल टिश्यूज टुमारो हो जाएगा तो इस वाले का पूरा सिलेबस मैंने कवर करा दिया है मैंने मॉर्फो वाला चैप्टर भी करा दिया है नाटमी वाला चैप्टर भी करा दिया है एनिमल टिश्यूज में कल करा दूंगी फ्रॉग और कॉकरोच में करा दूंगी चौबीस तारीख को आपको टेस्ट देना है दोगे या नहीं दोगे यस एक लिंक है इसका रथ का बस डाउनलोड कर लो, हाँ पे सीरीज दिख जाएगी आपको। और कुछ नहीं करना कोई ही नहीं, कर हाँ नहीं है भाई ये तो सो रहे हैं आज ये मुझे भी सुला देंगे मैं कैसे चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी भाई आज <laughs> ये तो मुझे सुला देंगे आज मुझे ऐसा लग रहा है हाँ यार आज मैं बड़ी मेहनत से आई हुई यार आज ध्वनि को छोड़ के ध्वनि बहुत इरिटेटेड थी मैं ही जानती हूँ मैं अपनी बच्ची रोती हुई छोड़ के आई हूँ तो यार थोड़ा सा भूल <muching> <muching> न जाना ओ जाने जाना चल आ जाओ चलो अब आ हम चैप्टर पे आ रहे हैं अब हम चैप्टर को पूरा करेंगे चैप्टर इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ये हमारे चैप्टर का नाम है ठीक है इसके ऊपर तो हम बाद में आएंगे अब हम अपनी ब्लैंक स्लाइड्स पे जाएंगे बच्चों इसको क्या हो गया अच्छा ये कुछ यहाँ पे आ गया था

और मैं सच बता रही हूँ मैंने एक बार क्या हुआ मैंने ट्राई भी किया निमोनिक्स बताने के के लिए बच्चों को एनिमल किंगडम ट्रस्ट में मेरे पास एक और काम बढ़ गया कि पहले उस निमोनिक को याद करूं फिर उस निमोनिक को डीकोड करने के लिए एग्जाम्पल याद करूं तो दो एग्जाम्पल निमोनिक और एग्जाम्पल याद करने से अच्छा है कि मैंने सीधा एग्जाम्पल याद कर लिया तो बड़े सिंपल सा फंडा जहां ट्रिक की जरूरत होती है वहां मैम दे देती है बट एनिमल किंगडम ऐसा वाहियात चैप्टर है कि जिसके निमोनिक्स याद करने के लिए मैं और अपने अंदर की जान नहीं झोक सकती सच बता रही हूं मैं तुम्हें तो ठीक है यस चलो आ जाओ अब आते हैं बच्चों सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पर आ गए तो जब हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन की बात करते हैं तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कैसे बने हम एक से दो दो से याद आए अभी हम एक ही है मैम भूल <laughs> जाते हो आप बार बार राइट तो यहाँ पे बेटा यही मैं आज के चैप्टर में तुम्हें बताने वाली हूँ कि कैसे तुम बनोगे एक से दो ठीक है आर यू ऑल रेडी टू हियर द स्टोरी चलिए आओ मैं तुम्हें स्टोरी सुनाती हूँ कैसे बनोगे एक से दो तो यहाँ पे हमारा एक सेल है ठीक है क्या ये हमारा एक सेल है जब एक से हम दो बनने की प्रोसेस पे जा रहे हैं मान लीजिए कि एक सेल से हमें दो सेल बनने हैं ठीक है अब यहाँ पे जाने के लिए बेटा कुछ ना साइकिल होती है ठीक है यस तो बेटा सनीराज तू तो ही ले लेना हमसे जाके निमोनिक <laughs> मुझे क्यों बता रहा है भाई <laughs> अगर तुझे पता है कि वो एक्स टीचर तेरे को निमोनिक दे रही है तो ले ले भाई मुझे क्यों बता रहे कि मैं ले लूं मुझे लेना ही नहीं है हम लेते नहीं फालतू चीज ठीक है जो चीज मेरे काम की होती है वो लेते हैं बस चल आ भाई अब देख इधर ये है हमारा एक चक्र ये एक जीवन का चक्र है मेरे बच्चों क्या है ये जीवन का चक्र ठीक है बेटा जीवन का चक्र क्या कहता है जितना समय उसे पटाने में लगता है क्या कहता है जितना समय उसे पटाने में लगता है उतना समय तो बाद में हां कराने में नहीं लगता

ड्रिंक वाटर एवरीवन पानी पियो जगाओ अपने आप को अंदर के जुनून को जगाओ आज ही चैप्टर कंप्लीट करके जाना है कम ऑन एवरीवन जोश 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 हाउ इज द जोश गाइस हाउ इज द जोश हाय मैम बोलो हाउ इज द जोश हाय मैम कंप्लीट करके जाएंगे आज ये चैप्टर यस मैम समझ के जाएंगे इस चैप्टर को यस मैम जो जो क्वेश्चन मैम पूछेगी उसके जवाब भी देंगे यस मैम यस बिना जोश के तो हो ही नहीं सकता भाई बिल्कुल भी नहीं हो सकता बहुत जरूरी है जोश भर दो यस चलो आ जाओ अब हमारे अपने इस चक्र पे अगर इस चक्र की बात करें मेरे बच्चों तो यहाँ पे सबसे पहले जो 90 परसेंट टाइम है वो एक फेज में जाता है जब हम उसको उसको हंसा रहे रहे हैं हैं देख कि क्या ये मेरे से पटेगी 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 या या पटेगी? पटेगी या नहीं पटेगी? पटेगी या नहीं नहीं ठीक है यस yes. तो यही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं मेरे बच्चों तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरा का पूरा जो सेल साइकिल है वो दो फेज में बटा हुआ है कितने फेज में बटा हुआ है गाइस दो फेज में पटा हुआ है ठीक है बच्चों ये वो फेज है ये वाला ये वो फेज है जिसको हम कहते हैं इंटरफेस क्या कहते हैं इंटरफेस इंटरफेस वो समय होता है जैसे हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं क्या कहते हैं इस फेज को मेरे बच्चों इसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं क्या कहते हैं इसको रेस्टिंग है. फेज भी कहते हैं ये वो समय है जब हम बस पहचान रहे कि क्या वो पटेगी क्या नहीं पटेगी पटेगी नहीं पटेगी ठीक है तो यानी कि ये जो समय 90% परसेंट टाइम लेता है कितना परसेंट टाइम लेता है 90% of time is interface. इस इंटरफेस में भी तीन फेजेस होते हैं मेरे बच्चों ठीक है पहले मैं पसंद करूंगा आए कौन से जूनियर है जो मेरे को पसंद आएगी यस मेरे बच्चों तो पहला फेज इसमें कौन सा जीवन ठीक है मैं जीना चाहता हूँ और मुझे वो जूनियर बहुत पसंद आ रही है बहुत बहुत पसंद आ रही है ठीक है बच्चों यस yes. तो पहला फेज क्या जीवन फिर दूसरा फेज चलो आओ उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं विच इज कॉल्ड एस फेज ठीक है फिर आते हैं जीटो फेज मतलब घूमना चूमना मैं घुमाने अरे हमारी बाइक चल्ट हम बुलेट लेकर बुलेट ले आए हैं बिल्कुल चलाने के लिए तो ये कौन सा फेज है बच्चों जी टू फेज तो इंटर फेज में अगर हम देखे तो इंटर फेज में भी कितने फेजेज है मेरे बच्चों तीन फेजेज है कितने फेजेज है बच्चों तीन फेजेज है पहला है जीवन फिर हमारा एस फेज फिर हमारा जी टू फेज ठीक है फिर उसके बाद जो सबसे डायनमिक फेज आता है जहां पे एक्चुअल डिवीजन शुरू होता है जहां पे सात फरवरी से लेके चौदह फरवरी के बीच में पता लगता है कि क्या ये मेरी पटेगी या नहीं पटेगी ठीक है बच्चों ये वो डायनमिक टाइम है जब फैसला होने वाला है कि क्या ये मेरी दुल्हनिया बनेगी या नहीं बनेगी तो उस फेज को क्या कहते हैं जी स्क्वायर आर्मी इसको बोलते हैं एम

हो जाता है राइट right, मेरे बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे अब अगर हम सेल टू सेल देखें, तो हमारे पास एक यीस्ट सेल है कौन सा है मेरे बच्चों सेल अब जल्दी से मैं आपको बता दो कि जो ये यीस्ट yeast... इसको क्या हो गया भाई इसको क्या हो गया इसको क्या हो गया जो हमारा सेल होता है उसका डिवीजन टाइम कितना होता है गाइस कितना होता है इसका डिवीजन टाइम एवरीवन इन द चैट सेक्शन इसका डिवीजन टाइम वेरी गुड विनर इसका डिवीजन टाइम कितना होता है? है मेरे बच्चों इसका 90 90 मिनट्स मिनट्स होता है तो 90 का 90% परसेंट yes. यस किस में जाएगा इंटरफेज में जाएगा और 10% टाइम किस में जाएगा माइटोटिक फेज में जाएगा ठीक है वहीं पे जो दूसरा ह्यूमन सेल अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल को डिवाइड करने के लिए कितने घंटे लगते हैं बच्चों 24 घंटा लगता है कितना लगता है ट्वेंटी फोर आवर्स लगता है डिवाइड होने में ह्यूमन सेल को अब इस ट्वेंटी फोर आवर्स में से ट्वेंटी थ्री आवर्स किसको दिए गए हैं बच्चा पार्टी किसको दिए गए हैं और वन आर किसको दिया गया है जल्दी से बताइए ट्वेंटी थ्री आवर्स दिया गया है इंटरफेस को इतना समय इंटरफेस को दिया गया है जबकि वन आर केवल किसको दिया एम फेस को दिया गया है जब सेल साइकिल सेल डिवीजन हो रहा है केस ऑफ ह्यूमन सेल वहीं पे अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें ई e. कोलाई की तो ई e. कोलाई का जो रेप्लीकेशन टाइम है जो कि हमने जोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी किया था कितना किया था 20 कितना किया था था बच्चों बच्चों मिनट्स 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 कितना तो इस 20 का जो टाइम है 18 मिनट किस में जाएगा आपके इंटरफेस में और दो मिनट में हो जाएगा डिवीजन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों डिवीजन तो ये हमारा इंटरफेस ये हमारा एम फेस ठीक है ध्यान से देखना ध्यान से देखना मेरे बच्चों यहां पे एक सेल था यहां जीवन अब इन एक एक चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे यहां तक सबको समझ में लगा या नहीं लगा आप कहेंगे मैम ये तो बहुत बेसिक था इतना तो हम सबको आता है कुछ नया बताओ है ना चलो आओ तो मैं नया बताती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आ जाओ बेटा तो अब हम फेजेस ऑफ सेल साइकिल को डिटेल में करेंगे फेजेस ऑफ सेल साइकिल बहुत ही उमदा नोट आज हम क्लास में बनाएंगे पहला जो फेज है वो कौन सा है जीवन फेज कौन सा बच्चों सब लिख लो जीवन फेज द जीवन फेज का जो फुल फॉर्म है वो क्या है गैप वन फेज क्या है इसका फुल फॉर्म बच्चों गैप वन फेज क्या है इसका फुल फॉर्म गैप वन फेज क्या है फेज इसका गैप वन ठीक है ये वो फेज है जब सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है इनएक्टिव होता है क्या लिखा है एनसीईआरटी में क्या लिखा है सिमर यस yes. क्या लिखा है NCRT कहती है कि इस टाइम पे जी होली के दिन गुब्बारे भी मारता है, है गुब्बारे मारने वाली या नहीं ये जी रहा है मेरे बच्चों जिंदगी तो इस टाइम पे जो सेल होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है क्या होता है मेरे बच्चों इस टाइम पे सेल इस टाइम पे जो सेल हमारा वो मेटाबॉलिकली एनोबोलिज्मिज्म मतलब भी, भी हो रहा है तो बच्चे मैम कहते कि मैम बन क्या रहा है ये बताओ यार इस टाइम पे बन रहा है क्या आर क्या बन रहा है प्रोटीन इस टाइम पे बन रहा है एटीपी क्योंकि कुछ भी चाहिए क्या चाहिए पैसा ठीक है तो यानी कि इस टाइम पे एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है इस टाइम पे प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है और इस टाइम पे किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है गाइस आरएनए का फॉर्मेशन लगातार पे होता हुआ जब सारी चीजों का फॉर्मेशन होगा तो सेल का साइज कम होगा या सेल का साइज बढ़ेगा क्या होगा ड्यूरिंग दिस फेज द सेल साइज डिक्रीजेस और द सेल साइज इंक्रीजेस तो यहां पर हम बताएं तो यहां पे सेल साइज इंक्रीजेस क्या हो रहा है ऑर्गेनल आर फॉर्मड ड्यूरिंग दिस फेज इज दिस स्टेटमेंट ट्रू ऑफ फॉल्स क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गनल आर फॉर्मड ड्यूरिंग दिस फेज क्या लगता है बच्चों क्योंकि क्योंकि रीजन आएंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो हमें एक एक चीज अच्छे से लिखनी है तो यहां पे हम लिखेंगे कि जो हमारे मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द ऑर्गन हैं वो फॉर्म फॉर्म ड्यूरिंग दिस ड्यूरिंग दिस स्टेज ठीक है बच्चों ये भी लिख लिया हमने अब आपको पता है जीवन के बाद आता है और S phase में आर एन ए सॉरी डीएनए होता है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए अब डीएनए uh, को डुप्लीकेट करना तो इंजाइम चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए जिसको आर्मी चाहिए या नहीं चाहिए तो यानी कि इस टाइम पे जीवन फेज में कौन से एंजाइम सबसे ज्यादा बनेंगे जो डीएनए रेप्लीकेशन में हेल्प करेंगे ठीक है सो so, यहाँ पे जो एंजाइम्स है बच्चों हाँ यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं, जो किसके लिए हेल्प कर रहे हैं डीएनए रेप्लीकेशन के लिए किसके लिए हेल्प कर रहे हैं डीएनए रेप्लीकेशन के लिए जो एंजाइम्स हेल्प कर रहे हैं वो भी यहाँ पे लगातार बनते हुए क्योंकि इसके अगला जो फेज है वो हमारा एस फेज होगा जिसकी तैयारी अभी से ही करनी होगी क्या ये समझ में आया नहीं आया जल्दी बताइए चैट बॉक्स में क्योंकि अब इसके साथ हम शुरू करते हुए एस फेज और द सिंथेसिस फेज अब हम एस फेज पे आ रहे हैं ठीक है बच्चों अब देखो बेटा अब क्या ना यहाँ पे जोड़ा बनेगा माना कि तुम्हारा नहीं बना है अभी तक बुरा ना मानो होली है ठीक है यस अब देखो इधर यहाँ पे अब हम जोड़ा बनाएंगे ठीक है बच्चों तुमने वो लाइन सुनिए दो जिस्म एक जान बस वही बनाने की हम यहाँ कोशिश करेंगे तो ये कैसे तुम्हें पता है जब ये गाना आया ना ये जब डायलॉग आया तो ये डायलॉग यहीं से आया था मेरे बच्चों यहीं से मैं तुम्हें रियल स्टोरीज बताती तो हूँ ये बात तुम्हें पता है ना सबको सबको पता है नहीं बात बिल्कुल रियल स्टोरीज मैम बताती है तो ये आखिर आइडिया कहाँ से आया ये मैं आज आपको यहाँ समझाने वाली हूँ ठीक है देखो बेटा था क्या बहुत साल बहुत पुरानी बात है कि हमारे पास एक क्रोमोजोम था सबसे पहले क्या बनाया बोर्ड पे एक क्रोमोजोम सिंगल है ये क्या है ये सिंगल क्रोमोजोम है इस सिंगल क्रोमोजोम के अंदर ये है हमारा डीएनए ये देखो बेसिकली इस तरीके से जब डीएनए पैक हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं क्रोमोजोम तो ये कितने क्रोमोजोम बनाए ध्यान ध्यान से बिल्कुल प्यार प्यार से जवाब देंगे मैम का क्योंकि यहां पे मैं सी वैल्यू और एन वैल्यू समझाने वाली हूँ जो तुम्हें ढंग से समझ में नहीं आती फिर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी तो उस टाइम अगर तुमने गलती की तो यही से आएगा एक ठीक है सब मैम के साथ आराम आराम से रिपीट करेंगे दो तीन बार ये सब चीजें मैम ने कितना क्रोमोजोम बनाए एक ये बना दिया हमने क्रोमोजोम ठीक है अब देखो ध्यान से अब इसको आदेश मिला है

यस yes, मेरे बच्चों जल्दी से बताएंगे सब चैट बॉक्स में तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले एक डीएनए था अब एक डीएनए से दो डीएनए हो गए तो यानी कि कौन सा प्रोसेस चली रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का प्रोसेस चला कौन सा प्रोसेस चला गाइस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या चला रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का प्रोसेस चला अब जब चला तो अब ये दोनों कहती हैं अब देखो ये कहती है हम नहीं रहेंगी एक साथ पापा हम नहीं रहेंगी साथ आपने सिमरन के साथ सिमर को भी कह दिया जब ले अपनी जिंदगी नहीं पापा ऐसे नहीं हो सकता हम नहीं रहेंगे साथ तो पापा कहते हैं ठीक है परेशान मत करो एक घर में तुम निकलो यहां से तो अब देखो क्या हो रहा है अब देखो स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है ध्यान से देखो बच्चों अब एक घर में दो बहने एक घर का मतलब है एक सेंट्रोमियर क्या मतलब है एक घर का सब मैम को बोलेंगे एक घर का क्या मतलब है एक सेंट्रोमियर ठीक है एक सेंट्रोमियर अब देखो यहां पे ये एक और ये दो देखो देखो ये देख रहे हो बच्चों अब यहाँ पे रेप्लीकेशन हुआ बट इसको जगह नहीं मिली इसलिए यहाँ पे डुप्लीकेट हो गई है ना एक जिस्म दो जान, एक जिस्म दो दो जान जान एक ठीक है अब देखो यहां पे अंदर डीएनए देखो ये देखो इसके पास एक डीएनए और ये दूसरा वाला ये देखे, ये देखे, ये 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 देखिए देखिए देखो 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 बच्चों ये देखो, ये देखो। देख पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे से रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है बहुत डिटेल में समझा रही हूं जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा होगा इस टॉपिक को उसको भी बिल्कुल धासु तरीके से समझ में आएगा तो यहां पे क्या हुआ मेरे बच्चों यहां भी एक ही क्रोमोजोम है यहां भी एक ही क्रोमोजोम है यहां भी एक ही क्रोमोजोम है ठीक है यस yes. बट यहां पे क्या हुआ कि एक क्रोमोजोम की दो बहने बन गई जब ये दोनों बहने बनी है तो इसको क्या बोलेंगे Sister chromatids. क्या बोलेंगे बच्चों इन दोनों बहनों को सिस्टर क्रोमेटेड्स क्या बोलेंगे इसको सिस्टर क्रोमेटेट्स बोलेंगे क्या बोलेंगे इसे सिस्टर क्रोमेटेट्स ठीक है बच्चों देखा आपने अब यहां पे एन वैल्यू क्या है ध्यान से देखना मैं हाँ पे डेफिनेशन लिख रही हूं एन वैल्यू टू एंड वैल्यू लेते हैं 2n वैल्यू इज द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल क्या है बच्चों 2n value? 2n वैल्यू वैल्यू है डिप्लॉयड नंबर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल जबकि 2c वैल्यू क्या है मेरे बच्चों 2c वैल्यू क्या है इट इज अ अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन अ सेल क्या है अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन अ सेल प्रेजेंट इन अ सेल तो उसे क्या है? 2C value कहते हैं टू सी वैल्यू कहते हैं और टू एंड वैल्यू क्या है नंबर ऑफ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ सेल क्या ये चीज फर्क समझ में आया तो सी वैल्यू क्या बता रही है अमाउंट ऑफ डीएनए बता रही है एन वैल्यू क्या बता रही है द अमाउंट ऑफ क्रोमोजोम बता रही है ये दोनों का फर्क है एन वैल्यू का और सी वैल्यू का ठीक है बच्चों क्या ये समझ में लगा या नहीं लगा जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में एवरी वन इन द चैट सेक्शन यस बच्चो हम्म hmm. जल्दी से देखो बताओ ठीक है ये हमारे सिस्टर क्रोमेटेड हो गए डन मैं क्वेश्चन पूछू नेक्स्ट स्लाइड पे अब देखो जरा नेक्स्ट स्लाइड पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रही हूं डायग्राम के अकॉर्डिंग वन टू ठीक है नेक्स्ट वन टू टू एन ये एक सेल है ये एक न्यूक्लियस है क्या है इसका टू एन जल्दी बताइए चैट बॉक्स में यस yes, एवरीवन मैं कुछ नहीं एक्सप्लेन कर रही रॉ आंसर अगर समझ में आया होगा तो आंसर यही दे दोगे यस यस कम ऑन गाइस बिल्कुल आराम आराम से क्योंकि अगर ये हमने समझ लिया तो आगे तो भाई बिल्कुल सॉर्टेड है अपनी जिंदगी बहुत सॉर्टेड है हैं अब दिखा यस yes, मेरे बच्चे आदिति यस yes, जानवी नंदिनी सानिया तो अगर आपने ये टॉपिक है तो यहां पे वन टू थ्री फोर यानी कि कितने टोटल क्रोमोजोम चार कितने हैं चार अगर आपने चार आंसर दिया तो आप बिल्कुल सही हैं आप अपने लिए चार अंक ले सकते हैं यानी कि आप दिल बना सकते हैं अपने नाम के आगे अब देखो टू सी वैल्यू इसकी टू सी वैल्यू कितनी है टोटल नंबर ऑफ डीएनए कितने होंगे इसके पास ये देखो वन डीएनए टू डीएनए थ्री डीएनए फोर डीएनए फाइव डीएनए सिक्स डीएनए सेवन डीएनए एट डीएनए तो यानी कि टू सी वैल्यू कितनी होगी आप जल्दी से बता दो चार्ट बॉक्स में बता दो भाई बता दो बिल्कुल इंतजार मत करो आंसर फेंक ही दो आज तो चैट बॉक्स में इसकी अब टू सी वैल्यू कितनी हो जाएगी एट क्योंकि हमने हर सिस्टर में एक डीएनए बनाया है तो टोटल नंबर ऑफ डीएनए कितने हो चुके हैं यहाँ पे एट हो चुके हैं तो यानी कि हम ये कह सकते हैं जो एस फेज है अब हम ये कंक्लूजन लिख सकते हैं कि जो हमारा एस फेज होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिमेन सेम और डबल क्या लिखू क्या लिखू मेरे बच्चों नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रिमेन्स सेम जितने भी क्रोमोजोम हैं अगर मान लो फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम है तो फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम ही रहेंगे कोई भी बदलाव नहीं होगा क्रोमोजोम नंबर में बट जो बदलाव देखा जाएगा वो किस में देखा जाएगा मेरे बच्चों यस कम ऑन गाइस वो देखा जाएगा सी वैल्यू में जो हमारी सी वैल्यू है इट डबल्स ड्यूरिंग ए फेज तो अगर हम हमारी 2C वैल्यू पहले चार थी तो एस फेज के बाद कितनी हो जाएगी आठ अगर हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चार थे तो वो अभी भी चार ही रहेंगे बट इट इज अल वैल्यू विच डबल्स ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ साइकिल और इस सी वैल्यू को किस यूनिट में नापते बच्चों इसको हम नापते हैं पी ग्राम्स में किस यूनिट में नापते हैं इसको पीको ग्राम्स में ये है इसकी यूनिट अब एक और क्वेश्चन पूछ लो क्या कहती है जी स्क्वायर आर्मी बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछूंगी बिल्कुल टफ नहीं पूछूंगी यस yes. क्या कहते तो पूछ लो चल इस टाइम पे इन दोनों के बीच में कौन सा रिश्ता है होमोलोगस क्रोमोजोम का या नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम का इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है रिश्ता क्या कहलाता है कमाल बच्चों जल्दी बताइए चैट सेक्शन में यहाँ पे कलर देखिए यहाँ पे व्हाइट कलर है यहाँ पे मस्टर्ड कलर है तो यानी कि ये दोनों आपस में सेम नहीं है ठीक है यस yes. तो ये दोनों क्या कहलाएंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम्स क्या कहलाएंगे दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम्स ठीक है बच्चों क्योंकि जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन सिस्टर सिस्टाटेड ऑफ होमोलोगस होमोलोग होती है या बिटवीन सिस्टर सिस्टाक्रोमेटेड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम होती है देखो कितना है ना बिल्कुल एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन बट कंफ्यूज करने के लिए ये चीज बहुत अमेजिंग है बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से ठीक है तो ये था हमारा S अब एस फेज के बारे में और भी चीजें हम लिख लेते हैं बच्चों कि एस फेज में और क्या क्या चीजें होती है ठीक है तो एस फेज में ये पॉइंट्स तो हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या इस फेज में हिस्टोन प्रोटीन और सेंट्रियोल बनते हैं और नो जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में तो ये वही फेज है जब सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है किस चीज का डुप्लीकेशन होता है मेरे बच्चों का डुप्लिकेशन होता है दूसरी चीज यहीं पे हिस्टोन प्रोटीन भी बनते हैं कौन बनते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स भी बनते हैं ठीक है बच्चों ये सारी चीजें हो रही है हमारी एस फेज में हो रही है किसमें हो रही है बच्चों ये सारी चीजें हमारी

बैठे बैठे मैं अभी स्टूडियो में आके यही कर रही थी ये वाला क्वेश्चन करेंगे बच्चों सब दिस क्वेश्चन प्लीज अटेम्प्ट क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का अभी मैंने जस्ट ना पता है फोटो खींच खींच के लगाए हैं सच बता रही हूँ <laughs> ऐसे क्वेश्चन मुझे पता है कहां पे है बट एक जगह लाने में ना टाइम लगता है बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूं बट दे आर वेरी गुड फॉर योर कॉन्सेप्ट तो इसलिए ट्राई करो हाँ बेटा कांता जल्दी बताओ जल्दी बताओ कांता यस yes, मेरे बच्चे कांता जल्दी 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 बताओ क्या है आंसर फिर अब मैं पढ़ती हूँ क्वेश्चन अमाउंट ऑफ डीएनए जब अमाउंट ऑफ डीएनए यानी कि सी वैल्यू के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है ठीक है इन मियोसिस टू प्रोडक्ट इफ न्यू कंटेन 30 थर्टी पी डीएनए इन जीवन फेस बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मियोसाइट वो सेल होता है जिसमें म्योसिस होती है क्या होता है म्योसाइट म्योसाइट वो सेल है जिसमें मियोसिस होती है ऐसे सेल को मियोसाइट कहते हैं वो कह रहा है कि जीवन में आपका कितना था थर्टी पिकोग्राम था तो एस फेज में आप कितना होगा मेरे बच्चों आराम आराम से आराम आराम से बताओ आराम आराम से आराम आराम से बताओ अब एस फेज में कितना होगा मैम के साथ साथ बताओ अगर जीवन में 30 था तो यानी कि एस फेज में कितना होगा 60 पीको कितना होगा बच्चों 60 पीको डबल हो जाएगा जी2 फेज में कितना होगा 60 पीको होगा ठीक है अब आते हैं मियोसिस वन। मियोसिस वन रिडक्शनल डिवीजन होती है जिसमें सब कुछ हाफ हो जाता है यानी कि इसमें क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो रहे हैं तो यानी कि आपका C value भी half हो जाएगा। यानि कि अब अब मेरे पास दो सेल बने हैं, जिसमें 30 और 30 होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद टू आएगा। टू में which is equational division, टू में क्या होगा नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिमेन सेम बट दी वैल्यूल तो यानी कि इससे दो सेल बनेंगे पंद्रह पंद्रह के इससे भी दो सेल बनेंगे पंद्रह और पंद्रह के हो गया बन गए चार्ट से यस yes. क्या होगा आंसर जल्दी बताएंगे आप सब चैट बॉक्स में व्हाट विल बी माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन यस मैंने स्टेप स्टेप बाय सॉल्व किया है जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो और अगर नीट में ऐसा क्वेश्चन आता है तो माने कि पांच सेकंड दस सेकंड लगेंगे बट आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो किसी भी स्टेप पे कंफ्यूजन नहीं होगी एंड यू विल गेट फुल मार्क्स बिल्कुल भी शॉर्टकट करने की जरूरत नहीं है मात्र दस सेकंड में पूरा आंसर निकाले ठीक है तो इसलिए नहीं हो रहा तो कोई नहीं बाद में कर लेंगे कोई नहीं ये बाइव एंड जाएगोटीन का खैर अभी तक ये मैंने पढ़ाया नहीं है आ, एक सेकेंड ये भी अभी तक नहीं पढ़ा है जो नहीं पढ़ा है वो अभी नहीं करेंगे बाद में कर लेंगे ठीक है चलो आई होप बच्चों की आपको समझ में आयो कि ये अगर क्वेश्चन नीट में आते हैं तो आपने कैसे अटेम्प्ट करने हैं यस yes, yes समझ में आया नहीं आया अब हम चल रहे G2 फेस पे कोई नहीं बेटा अंकिता आज गलत हुआ है बट आई होप आपके आगे सारे ठीक हो क्वेश्चन ठीक है यस अच्छा मैम बट जीवन पूछा है ना मैम जी एक, एक सेकंड, एक सेकंड एक सेकंड चेक कर लेते हैं what will be the amount of dna in meiosis two products if meiosis contains 30 pg dna in sahi to hai meiosis meiosis 2 के प्रोडक्ट meiosis two के बाद तो पूछा है चार haploid cell के बारे में तो पूछ रहा है yes sahi to hai bak chalo ab aate hain g2 phase pe g2 phase wo hai jo m phase से पहले होता है g2 phase कौन सा है मेरे बच्चे जो एम फेज से पहले होता है यानी कि एम फेज इज डिवीजन फेज जब डिवीजन हो रहा है तो यानी कि इस dynamic event से पहले उसकी तैयारी करनी होगी है ना भाई Yes, करनी होगी ना यस yes, चलो तो यहां पे आते हैं जी टू फेज पे तो जी टू फेज के अंदर क्या हो रहा है सबसे पहले यहां पे बनता है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन क्या बन रहा है बच्चों स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन यहां पे शुरू हो जाता है ये स्पिंडल फाइबर्स वो है जो किस प्रोटीन के बने होते हैं ट्यूबलिन प्रोटीन के बने होते हैं किसके बने होते हैं बच्चों ये ट्यूबलिन के बने होते हैं है है? हो है क्योंकि डिवीजन में काफी सारा पैसा खर्च होता है तो यानी कि यहां पे इंक्रीज एटीपी प्रोडक्शन रहेगा जी स्क्वायर आर्मी क्या रहेगा इंक्रीज एटीपी प्रोडक्शन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे इसके बाद तीन ऐसे ऑर्गेनल हैं जो इस टाइम पे रेप्लीकेट यानी डुप्लीकेट होते हैं वो तीन ऑर्गेनल कौन से जिसमें से दो हैं और एक का नाम गोल्जी है वो दो कौन है जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में यहां पे हो रहा है डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन ऑफ थ्री ऑर्गेनल जिसमें एक है हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया माइट्रोकॉन्ड्रिया दूसरा है हमारा क्लोरोप्लास्ट और तीसरा जो हो रहा है वो है हमारा अपैरेटस कौन सा रहा है जी अपैरेटस तो अगर घुस के सवाल कि भाई पूछ रहे तो आंसर जी टू आएगा क्लोरोप्लास पूछ रहे हैं जी टू आएगा गोलजी पूछ रहे जीटू आएगा और कह रहे ई आर यस बाकी सब कब बन रहे जीवन में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग जीवन फेज ठीक है मेरे बच्चों यस तो ये चीज है हमारी ये समझ में आया g2 phase अब देखो यहां पे क्या हो रहा है यहां पे ना एक प्रोटीन बाबी बन रहा है कौन बन रहा है प्रोटीन बा कौन प्रोटीन बा ये प्रोटीन बा कौन सा है उसका नाम है काइनेटोकोर क्या नाम है मेरे बच्चों उसका काइनेटोकोर आखिर ये काइनेटोकोर क्या है ये काइनेटोकोर नहीं है बच्चों काइनेटो चोर है यस बोनी हो गई मैम आज की आ, फिर तो इसमें डांस करना बनते ना डिंगलक ओ ओ ओ ओ <laughs> है पागल हुए जा ना रहे नालायक इधर देखो ये हमारा क्या है सेंट्रोमियर ये हमारा है क्रोमोजोम ये हमारा क्रोमोजोम है ठीक है ध्यान से देखना अब ये जो सेंट्रोमियर है क्या है बच्चों सेंट्रोमियर इस सेंट्रोमियर के आसपास स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन हैं जिसे हम काइनेटो छोर कहते हैं छोर क्योंकि कॉर्नर पे प्रेजेंट है ठीक है ये जो हमारे येलो कलर के हैं इन्हें क्या कह रहे हैं काइनेटो कोर यही वो प्रोटीन हैं जो स्पिंडल फाइबर को पकड़ के रखेंगे किसको पकड़ के रखेंगे मेरे बच्चों स्पिंडल फाइबर को देखो ये रे ये हमारे स्पिंडल फाइबर ये हमारे स्पिंडल फाइबर्स है जो किससे अटैच रहेंगे सेंट्रो से ये देखो देख लो बच्चों पूरा का पूरा ये कब बन रहा है जी टू फेस में कब बन रहे ये? जी टू फेस में क्या यहां तक सबको समझ में आया जल्दी बताइए चार्ट सेक्शन में समझ में आया अब आगे चलते हैं बहुत साल पहले की बात है मेरे बच्चों एक क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से अगर आपको याद हो तो ये टॉपिक नहीं है एनसीआरटी में बट क्वेश्चन आया था नीट एग्जाम में अगर आपको याद हो पता नहीं तुम्हें कितना याद रहता है नहीं रहता है जैसे तुम एग्जाम खत्म होते हो मुझे भूल जाते हो, वैसे ही क्या पता याद हो या ना हो पीवाई क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन चेक पॉइंट्स पे ठीक है आखिर चेक पॉइंट्स क्या होते हैं दो बड़ा ये वही चेक पॉइंट है मेरे बच्चों जैसे आपकी मम्मी ठीक है जैसे हाँ कहा जा रही बेटा हाँ अच्छा वहां जा रही है देना आजकल बेटा पता है ना प्रोटेक्शन कितनी जरूरी है यस तो ये चेक पॉइंट्स होते हैं ऐसे ही जब सेल डिवीजन हो रहा होता है ना डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है या कुछ भी चीज हो रही है तो हमारे यहाँ भी क्या होते हैं चेक पॉइंट्स होते हैं ऐसे तीन चेक पॉइंट्स है कितने चेक पॉइंट्स है गाइस

बेटा चप्पल जूते मत पहन के जाइए मैम ने मना किया था ड्रेस कोड वाली वीडियो में वो र, वो बाथरूम ले ले पापा की रिलैक्सो वाली यस yes. बेटा हैवी कपड़े तो नहीं पहन लिए अभी भेजू बॉक्स से तो चिंता मत कर बिल्कुल बनियान पहन के जा बल्कि बट तू तो चला जा बस ठीक है तो ये क्या है ये तैयारी चेक करने के लिए कि जब आप एस फेज में एंटर कर रहे हैं तो आपके पास रिक्वायर्ड मटेरियल है या नहीं अगर सेल के पास रिक्वायर्ड मटेरियल नहीं है तो सेल विल नॉट अलाउ सेल डिविजन ठीक है येस yes, मेरे बच्चों बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा तो ये चेक पॉइंट है टू चेक वेदर द मटीरियल्स वेदर द मटीरियल्स फॉर रेप्लीकेशन आर रेडी और नॉट आर रेडी और नॉट ठीक है बच्चों ये अलाव हो गया अब आते हैं नेक्स्ट पर आ जाओ अब दूसरा कौन सा हमारा एस <coughs> फेस से कौन सा हमारा एस फेस से कौन सा जाएगा एक सेकंड बच्चों लेट मी चेक जी वन टू एस जी टू टू एम यस एस टू एक सेकंड जी टू टू एम जी टू टू एम फेस

बाहर निकल अभी के अभी कोई बहरूपिया आया है हाँ अब क्या है लास्ट चेक है एंड दिस अ मोस्ट क्रूशियल चेक आधार कार्ड पे तो बिल्कुल गरीबों वाला दिख रहा है असली में तो ठीक ठाक दिखता है बेटा तू यस yes. तो ये सबसे क्रूशियल चेक है विच इज कॉल्ड जी टू टू एम फेस क्योंकि अगर इस स्टेप पे कोई गड़बड़ हो रही है तो वो आपके सेल में देखी जाएगी क्योंकि इसके बाद डिवीजन होगा और डिविजन होते पता लग जाएगा कि भाई गड़बड़ हो चुकी है तो इसलिए दिस इज मोस्ट क्रूशियल वन दिस इज मोस्ट क्रूशियल वन ठीक है तो यहां पे चेक किया जा रहा है टू चेक वेदर द रेप्लीकेटेड डीएनए हैज सम नहीं एनी एनी एरर्स और नोट वरना ये इसे आगे जाने नहीं देगा बच्चों ठीक है यस अब आते हैं नेक्स्ट पे तीसरा कौन सा है मेरे बच्चों तीसरा जो हमारा है इसमें वो होगा एस से एस से जी टू फेज वाला होगा जहां पे फिर से चेक किया जा रहा है कि सारी चीजें रेडी है या नहीं समझ में आया नहीं आया पहले तो ये बताओ अब आते हैं नेक्स्ट फेज पे आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ वो कहानी किसकी है ये उन बच्चों की कहानी है मेरे बच्चों जो दो दिन पूरे जोश में पढ़ते हैं उसके बाद ये कहते नहीं अब जब तक बुलावा नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा पढ़ने के लिए यस yes. एक ये जो बच्चे होते हैं ना ये जो स्पेशल टाइप ऑफ बच्चे हैं इन्हें कहते हैं क्विनसेंट बच्चे जी नॉट बच्चे यस yes. तो होता क्या है ये हमारी सेल साइकिल है जिसमें ये हमारा एम फेज है और ये हमारा जी1 फेज है इसी के बीच में एक और फेज होता है इस फेज का नाम होता है जी नॉट फेज क्या नाम होता है इसका जी नॉट फेज ऑफ क्विंसेंट स्टेज ये वो स्टेज है व्हेन द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट इट इज नॉट डिवाइडिंग क्या है बच्चों इस टाइम पे सेल इज सेल इज मेटाबॉलिकली मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट इट इज नॉट डिवाइडिंग बट इट इज नॉट डिवाइडिंग क्योंकि ये क्या कर रही है एग्जिट ले चुका है इस मोह माया से ये अपनी मोह माया छोड़ चुके हैं जिंदगी की ठीक है तो कहां से एग्जिट ले चुके हैं मेरे बच्चों टेक्स एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल फ्रॉम सेल साइकिल सेल साइकिल से एग्जिट ले चुके हैं बट ये डिवाइड करेंगे अगर इन्हें आदेश दिया जाए ठीक है सो दे डिवाइड दे डिवाइड वेन सिग्नल अराइव्स वेन सिग्नल अराइव तब तक वर्णा नालायक काम नहीं करेंगे यस yes. एग्जाम्पल बोलो चार्टॉक्स में यस एग्जाम्पल फिब्रोब्लास्ट सेल कौन सेल जो कि आपके कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं समझ में आया नहीं आया ये भी जल्दी बताएंगे सब चार्टॉक्स में कौन का इस यहां तक सबको समझ में लगे या नहीं हां मैम क्या आप एक बार और रिवीजन कराओगे बिफोर नीट एग्जाम हाँ बेटा बिल्कुल तुम चिंता मत करो आ जाओ बेटा आ जाओ ये हो गया अब आ रहे हैं पहले टॉपिक पे एम फेस के विच इज कॉल्ड माइटोसिस कौन सा पढ़ेंगे हम आज माइटोसिस नाउ एन ए माइटोसिस

यस, इक्वेशनल डिवीजन या रिडक्शनल डिवीजन, जल्दी बताइए तो ये हमारा इक्वेशनल डिवीजन। कैसा डिवीजन है ये इक्वेशनल डिवीजन? आखिर ये माइटोसिस किन सेल्स में होता है शरीर के क्या ये जंग सेल्स में होता है या सोमाटिक सेल्स में होता है कहां होता है मेरे बच्चों? कहा होता है ये यस yes. क्या ये सोमैटिक सेल्स में होता है जर्म में होता है। तो ये जो है हमारा माइटोसिस, वो हमारे सेल्स में होता है किसमें होता है सोमैटिक सेल्स में नेक्स्ट थर्ड चीज क्या माइटोसिस से वेरिएशन आती है या नहीं आती है मेरे बच्चों या इसमें सेम तरह का बच्चा और मम्मा होता है कैसा होता है यहाँ पे नो वेरिएशन यहाँ पे कोई वेरिएशन का स्कोप नहीं है अब बच्चे कई बार असर्शन रीजन में पूछते हैं है, मैम क्यों वेरिएशन नहीं आती क्या नहीं होती no crossing over. Since इसमें crossing over नहीं हो रही है इसलिए इसके अंदर किसी तरह की वेरिएशन नहीं आती है ठीक है क्या ये एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस के लिए जरूरी है ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्या इससे मुझे एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस मिल रही है आप कहेंगे नो मैम नो नो एवोल्यूशन एवोल्यूशन में इसका रोल नहीं है यस yes. फिर क्या रोल क्या है इसका काम है रिस्टोरेशन रीजनरेशन ऑफ टिश्यूज ठीक है कहीं अगर डैमेज या चोट वोट लग जाए तो वोड भरने के रीजनरेशन के उन सब प्रोसेस में माइटोसिस बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है ठीक है अब जब माइटोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस के भी कितने फेजेस है जीज को इसके भी दो फेजेस है कितने फेजेस है दो फेजेस है माइटोसिस के ठीक है एक है हमारा इंटरफेस और दूसरा हमारा कौन सा है एम फेज दूसरा कौन सा एम फेज और यहाँ पे इंटरफेज में कौन-कौन से फेजेस है सोमैटिक सेल का मतलब क्या है जो तेरा शरीर है ना कोमल बदनिया, उसमें जितना भी सेल है ना उसको सोमेटिक सेल कहते हैं ठीक है थीके? सो बदनियां इज मेड अप ऑफ सोमेटिक सेल ठीक है बच्चा अब में सबसे पहले G1, एस जी टू बट एम फेज में दो फेजेस होते हैं एक न्यूक्लियर डिवीजन और एक साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है क्या कहते हैं उसको जल्दी बता दे उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं उसको कैरियोकाइनेसिस, काइनसिस विच इज न्यूक्लियर डिवीजन क्या है मेरे बच्चों ये ये हमारा न्यूक्लियर डिवीजन और इस न्यूक्लियर डिवीजन में चार फेजेस होते हैं कितने फेजेस होते हैं चार फेजेस होते हैं पहला फेज कौन सा है प्रोफेज पहला फेज कौन सा है मेरे बच्चों प्रोफेज दूसरा फेज कौन सा है चलो 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 हां 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 यस मेटाफेज कौन सा बच्चों मेटाफेज फिर कौन सा है एनाफेज फिर कौन सा है टेलोफेज और साइटो प्लाज्मिक डिविजन है जिसे हम कहते हैं क्या साइटो जिसमें हमारे फाइनली दो सेल्स बनते हैं प्लाज्मिक डिविजन अब हमें जो डिटेल में डायग्राम की हेल्प से पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कैरियोकाइनेसिस करें स्टार्ट डी को आर्मी करें से स्टार्ट ये अब हमें नेक्स्ट स्लाइड से डिटेल में पढ़ना है बिल्कुल एक एक डायग्राम बनाएंगे बिंदास तरीके से बहुत जरूरी है इसके डायग्राम बनाने क्योंकि अगर डायग्राम नहीं समझे तो दिक्कत हो जाएगी तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोफेस से चलो डायग्राम बनाती हूं मैं ये हमारा सेल है देखो बेटा इसमें ना बहुत मेहनत लगती है बहुत ज्यादा मेहनत ये देखो क्या बना रही है मैम अगर आप साथ के साथ बताते रहोगे तो देखो क्लास में ना जो है मजा आता रहेगा ये देखे। ये देखो अभी बिल्कुल सुंदर वाला बनाए नेक्स्ट स्लाइड से सुंदर नहीं बनाएंगे बिल्कुल आम आदमी टाइप्स बनाएंगे ठीक है चलो अभी तो सवाल भी पूछूंगी तुमसे बढ़िया बढ़िया डोंट वरी ठीक है उड़ू में बटरफ्लाई 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 देखो ये देखो अगर डायग्राम सुंदर लगे तो तारीफ कर सकते हैं बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों ये है ठीक है ये हमारा डायग्राम है अब देखो इधर ध्यान से सब सब मैम के साथ लेबलिंग करेंगे बिल्कुल बढ़िया से हां मैम बायो बहुत हार्ड है क्या करूं कुछ मत कर बेटा तू मैथ्स ले ले फिर तेरे को पता लगेगा क्या हार्ड होता है क्या इजी होता है इससे अच्छा सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता कोई टीचर तुझे बता सकता है ठीक है ये क्या है बच्चों जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में ये वो है जो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं जो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं सेंट्रियोल्स ये क्या है मेरे बच्चों ये हमारे सेंट्रियोल्स ठीक है इन सेंट्रियोल्स के जो पीछे की तरफ पूछे निकल रही है उसे एस्ट्रल फाइबर्स कहते हैं क्या कहते हैं इन पूछो को इनको कहते हैं एस्ट्रल फाइबर्स क्या कहते हैं इन पूछो को एस्ट्रल फाइबर्स कहते हैं ठीक है बच्चों और बीच में ये जो बटरफ्लाई दिख रही है ये क्रोमोजोम्स हैं क्या है मेरे बच्चों ये क्रोमोजोम्स है क्या है ये क्रोमोसोम्स ठीक है और यहां पे कुछ फाइबर्स आपको दिख रहे हैं 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 कहते है, fibers, fibers. कहते पिंडल फाइबर्स 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 क्या बट कुछ ऐसे जिसके बीच में क्रोमोजोम हुए हैं तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं होते बल्कि हैं बच्चों डिसकॉन्टिन्यूस फाइबर्स कौन से फाइबर्स है ये डिसकॉन्टिन्यूस फाइबर्स कुछ ऐसा दिखेगा हमें हमारा प्रोफेस केस ऑफ माइटोसिस किसमें माइटोसिस के केस में ठीक है अब आते हैं पहला पॉइंट इसमें देखते हैं क्या क्या पॉइंट है आ जाओ पहला पॉइंट प्रोफेस भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपीयर क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है तो अर्ली प्रोफेस की अगर बात करें अर्ली प्रोफेस

जो हमारे क्रोमोसोम्स है वो बिल्कुल पैक हो चुके हैं क्योंकि इन बिचारों का तबादला होने वाला है एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले हैं ठीक है तो यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स क्या लिखेंगे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर ठीक है यहां पे कुछ चीजें गायब हो जा रही है जैसे नीट की तैयारी करते-करते तुम्हारे जीवन से प्यार लुप्त होता जा रहा है वैसे यहां पे भी कुछ चीजें गायब होती जा रही है वो कौन कौन सी चीजें जो गायब हो रही है मेरे बच्चों वो है हमारी ईआर वो है हमारी गोलजी और क्या है हमारा ईआर गॉल्जी गोलजी और, और कौन सी तीसरी चीज़ है जो गायब हो रही है जल्दी बताओ चैट बॉक्स में यस जी हां जी एक और चीज है अरे बता भी दो मैम एवरीथिंग ठीक है ओके okay, ऑर्गेनल्स लिख देती हूं ऑर्गेनल्स डिसअपियर ठीक है तीनों चीजें वैसे तो ये सारी चीजें गायब होंगी अब आते हैं नेक्स्ट ये जो सेल मैम ने बनाया है न्यूक्लियस होगा वैसे तो ये जो मैम ने सेल बनाया इसका टू एन वैल्यू और टू सी वैल्यू जल्दी से बॉक्स में बता दो क्योंकि अभी हम इसका डिवीज़न करेंगे तो हमें इसकी टू एन और टू सी वैल्यू अच्छे से पता होनी चाहिए यस yes, न्यूक्लियोलस hmm. होगा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस पे Nucleolus होगा। बिल्कुल सही सही आंसर दिया मैं वेट ही कर रही थी चलो अब टू एन और टू सी वैल्यू बताओ निहारे का अच्छे से बता बेटा तो अगर यहां पे आप देखोगे एक दो तीन चार चार क्रोमोजोम है टू एन वैल्यू चार होगी ठीक है और टू सी वैल्यू एक दो तीन चार पांच छ सात आठ कितनी होगी एट आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट को काफी हद तक समझ में आ गया है अब डायग्राम देखकर तुरंत बता दे रहे आंसर ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट लेट प्रोफेस पे जब हम लेट प्रोफेस पे जा रहे हैं तो क्या क्या हो रहा है पहली चीज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली में क्या लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से गायब हो जा रही है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दूसरी चीज यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स हैं वो हमारे क्रोमोजोम से अटैच हो चुके हैं थ्रू अ प्रोटीन कॉल डैश थ्रू अ प्रोटीन कॉल डैश क्या कौन सा प्रोटीन था तो यहां पे जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स अटैचेस टू तो क्रोमोसोम्स थ्रू थ्रू, थ्रू।, थ्रू। काइनेटो कोर काइनेटो कोर के थ्रू अटैच होते हैं सारे पॉइंट्स हो गए बेटा प्रोफेस के यस बच्चों, प्रोफेस के सारे पॉइंट्स हो गए आई थिंक यस

एम से क्या याद रखना है एम से कुछ चीजें याद रखनी है मिडल एक चीज मिडल याद रखनी है दूसरी चीज क्या याद रखनी है मॉर्फोलॉजी ये ट्रिक टू तो रिमेंबर है जो मैं दे रही हूँ जो एग्जैक्ट चार नंबर आपको नीट एग्जाम में दिलाएगी अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाता है नीट एग्जाम में ठीक है एम से क्या क्या याद रखना है एम से याद रखना है मिडल एम से याद रखना है मॉर्फोलॉजी क्यों लिखवा रही हूँ अभी बताती हूँ इसके बारे में यहाँ पे पहले डायग्राम बना लेते हैं ये हमारा डायग्राम है ये हमारे सेंट्रियोल हैं और यहां पे बीच में ये देखिए, ये हमारे क्रोमोजोम अलाइन हो गए हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे ये देखिए ये क्या हमारी इक्वेटोरियल प्लेट ये देखिए ये देखे ये हो गए डायग्राम क्लियर है सबको अब जब इस डायग्राम को हम देखते हैं मान लो कि ऐसा डायग्राम आ गया नीट में और कहते हैं कि पहचान कौन सा है पहचान जरा तो आपको देखोगे ओ माय oh गॉड सबके सब बीच में है सबके सब इक्वेटर सब पे है तो यानी कि दिस इज माय मेटाफेज तो मेटाफेज में क्या हो रहा है मेटाफेज वो फेज है व्हेन ऑल क्रोमोसोम्स व्हेन ऑल क्रोमोसोम्स अलाइन अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट कहां पे अलाइन कर रहे हैं सबके सब इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन कर रहे हैं पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट एम से क्या मॉर्फोलॉजी ये वही स्टेज है जिसमें किसकी मॉर्फोलॉजी पता लग रही है क्रोमोसोम की क्या पता लग रही है इसमें मॉरफोलॉजी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम क्या पता लग रही है मेरे बच्चों मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम अब मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम क्या है जैसे कि हमारे पास चार तरह के क्रोमोजोम होते हैं एक कौन सा होता है बेटा मेटासेंट्रिक एक होता है मेटासेंट्रिक दूसरा कौन सा होता है सब मेटासेंट्रिक तीसरा कौन सा होता है जी स्क्वायर आर्मी यस एक्रोसेंट्रिक और चौथा कौन सा होता है जी स्क्वायर आर्मी टीलोसेंट्रिक कौन सा होता है टीलोसेंट्रिक अब इनकी शेप क्या है यस yes. वी एल जे आई क्या शेप है वी एल जे आई ठीक है यस yes. वाणी लव जुनूनियत ठीक है यस yes. वानी का प्यार जुनूनियत से भरा हुआ है बस याद रखना बेटा वानी का प्यार जुनूनीत से भरा हुआ है मैंने भी ऐसे ही याद रखा है क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है ना जो हमेशा याद रहती है जीवन में वाणी का प्यार जुनूनियत से भरा हुआ है ठीक है तो वी एल जे आई तो ये शेप जो मैं बता रही हूं ये शेप ऑफ किस स्टेज में पता लगती है हमारे मेटाफेज मेटाफेज में 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 किस में पता लगती है बच्चों इसलिए एम से मिडल मॉर्फोलॉजी मिडल मतलब कि सारे के सारे क्रोमोजोम इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अरेंज हो जाएंगे मॉर्फोलॉजी क्या ये भी क्लियर है एवरीवन इन द चैट सेक्शन यस मेरे बच्चों आ जाओ

Yes. क्या मैम पढ़ाती थी यार क्या ही पढ़ाती थी मैम ह्यूमन फिजियोलॉजी एक्सपर्ट थी एंड यू बिलीव मैंने पूरा यूनिवर्सिटी पूरा डेली यूनिवर्सिटी टॉप किया तीनों सेमेस्टर में ह्यूमन फिजियो में क्योंकि जब मैम पढ़ाती थी ना आय हाय क्या पढ़ाती थी मैम मतलब बिल्कुल मजा आ जाता था बच्चों एक एक चीज मैम क्लास में याद करा देती थी मतलब प्रोफेसर होने के बाद भी Yes. कहीं ना कहीं मैं जब पढ़ाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी ही एक झलकी हूँ मैडम चल आ जाते हैं मेरे से भी अब आते हैं आना कानी फेज पे यानी की आना फेज इस फेज को क्या बोलते हैं आना कानी फेज आना कानी फेस क्या होता है दूरियों का फेस यस yes. दूरियों का फेस मतलब इसमें ऐसे दूरियां होती है आना के टाइम पे नहीं नहीं हमको ये नहीं पसंद हम हमने कहा ना हमें नहीं पसंद बस ठीक है आना कानी फेस अब आना कानी फेस में क्या होता है बच्चों यहाँ पे ये क्या है ये हमारे पोल्स है ठीक है बच्चों ये वाला अपनी तरफ बुलाएगा इस तरीके से ऐसे आना कर. ठीक है ये देखो इस तरीके से ये देखो ये देखो द सेंट्रोमियर विल फेस टूवर्ड्स फेस टूवर्ड्स सेंट्रियोल कहा देखिए इस तरीके से ठीक है वहीं पे ये देखिए इस तरीके से ये यहां पे जाता हुआ देख लो मेटर डायग्राम ये देखो डायग्राम देखो बसु ये देखो ये देखो देख Centromere रहे हो सेंट्रोमियर किसको फेस कर रहा है सेंट्रियोल को ये पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने इसलिए मैं बता रही हूं को कौन फेस कर रहा है सेंट्रोमियर कौन फेस कर रहा है बच्चों सेंट्रोमियर सो यहां पे सेंट्रोमियर पे सेंट्रियोल सेंट्रियोल को फेस कर रहा है कौन सेंट्रोमियर ठीक है मेरे बच्चों पहली चीज समझ में आई सबको या नहीं आई जल्दी से बताइए आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बहने अलग हो गई है तो इसपे गाना याद आता है लंबी जुदाई प्यार बहनों का, जान ले मेरे रब्बा अलग हो गई हैं तो यहाँ पे क्या है सिस्टर क्रोमेटेड्स अलग हो रही हैं अलग होने के लिए अंग्रेजी का शब्द है सेग्रीगेशन तो क्या होगा सेग्रीगेशन या क्या बोलेंगे सेपरेशन अरे तू चुप सिस्टर है क्या लिखेंगे मेरे बच्चों अलग हो रहा है जुदाई हो रही है सेपरेशन तो यहां पे स्प्लिटिंग ऑफ देखो तीन तरीके से इसको लिख सकते हैं पहला स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर इसको लिख सकते हैं नीट में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है अलग अलग अंग्रेजियों की तरह स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो रहा है सेंट्रोमियर टूट रहा है जिनके कान से खून आ रहा है मैं सच बता रही हूँ, बदतमीज हो गए हो बिल्कुल स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर टूट रहा है जिससे बहने अलग हो रही हैं ठीक है यहां हम लिख सकते हैं इसको अंग्रेजी में सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स तो जो नीट एग्जाम है उसके अंदर दोनों ही अंग्रेजी के सेंटेंस आ सकते हैं और दोनों ही सही कहलाएंगे समझ में आया नहीं आया पहले तो ये बताइए बॉक्स में तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे ये कुछ इस तरीके से था फिर ये बीच में से टूट गया एक ऊपर चला गया एक नीचे चला गया सो मूव मूव करें बच्चों क्रोमोजोम्स क्रोमोजोम्स मूव टूवर्ड्स पोल कहां मूव कर रहे टुवर्ड्स पोल क्या ये पूरा अच्छे से क्लियर है जल्दी बताइए चैट बॉक्स में मैम डायग्राम लेबल तो कर दो थोड़ा सा सही ना करने की जरूरत है एक ही चीज तो चल रही है सबसे तो क्रोमोसोम और नहीं तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे अब आ जाओ नेक्स्ट फेज कौन सा है माइटोसिस का टीलो फेज कौन सा बच्चों टीलो फेज बस टर्मिनल पार्ट खत्म होने वाला है बेटा माइटोसिस चैप्टर नहीं खत्म हुआ अभी ठीक है अब देखो इधर टीलो फेज में क्या हो रहा है ये हमारा सेल है यहां पे हमारे दो क्रोमोजोम एक ये रहा और एक ये रहा डीएन ये देखे एक तो कलर वाले डायग्राम बनाने में बहुत ही टाइम लगता है इसका थ्री डी हो जाता तो थोड़ा आराम मिल जाता जिंदगी में ये देखो ये देखो ये बन गए बस दो न्यूक्लियस बन गए एक से बन गए दो न्यूक्लियस यही तो चाहिए यही तो चाहिए मेरे बच्चों और तुम्हें क्या चाहिए यस मैम हम भी पी लेते हैं जो जागना पड़े और पानी पी रही हूं मैं गलत सलत अफवाह मत फैलाए करो मेरे बारे में ना लायको यस चलो आ जाओ इधर अब यहाँ पे टीलो फेस इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ प्रोफेस जो चीज आपने प्रोफेस में याद करी हो उसका उल्टा आपने याद करना है टीलोफेस में अगर वहां पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम हो रहा है तो यानी कि यहां क्या रहा हो रहा होगा मेरे बच्चों जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में अगर वहां पे कंडेंसेशन ऑफ हो रहा है तो यहां पे क्या रहा हो क्या रहा होगा ऑफ क्रोमोजोम पहला पॉइंट ऑफ पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट वहां पे अगर न्यूक्लियोलस ईआर गोल्जी डिसअपीयर कर रहे थे तो यहां क्या करेंगे बच्चों जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में ईआर ER, गोल्जी न्यूक्लियोलस रीअपियर्स यहां पे क्या करेंगे रीअपियर करेंगे अगर वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही थी तो यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी आएगी आएगी मेरे बच्चों आएगी तो यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स रीअपियर्स ठीक है मेरे बच्चों

यस yes. क्या वैल्यूज आएगी जी जीज आप देखो यहाँ पे एक दो, दो हम्म अरे यार एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड चार थे ना सॉरी 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 मेरे से गलत हो गया वही मैं सोचूं ए अभी रुको 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 आप रुक. सही है मेरे बच्चों आप सही बनाए हाँ आप सही बना आप बताओ अरे आप बताओ आप बताओ बताओ यहां पे अगर देखोगे तो ये देखो तो एक दो तीन चार हो गए ना चार और चार दोनों के पास आ गए क्रोमोजोम चार और चार मेरे से गलती हो गई थी तो यानी कि ये चार हो गए चार ही टू सी वैल्यू होगी ये समझ में आया और अब स्टार्टिंग में जाओ सेल के प्रोफेज में यहां पे ये देखिए में आपने क्या बताया था चार और आठ ये बताया था आप खुद ने बताया था आपने चार और आठ ठीक है और अब आप क्या बता रहे हो में चार और यानी सी वैल्यू क्या हो गई हाफ हो गई ना मेरे बच्चों हो गई ना वापस सी वैल्यू हाफ कर दी हमने हाफ तो सी वैल्यू हाफ होती है इन केस ऑफ माइटोसिस बट द क्रोमोसोमल नंबर रिमेंस कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द माइटोसिस समझ में आया तो हमने क्या देखा कि माइटोसिस के केस में माइटोसिस के केस में जो हमारी n वैल्यू है वो पूरी प्रोसेस में सेम रहेगी बट हमारी जो c वैल्यू है वो क्या हो जा रही है हाफ हो जा रही है ओरिजिनल से हाफ हो गई ना यस ठीक है यस मैम centromeres is attached only through kinetochore at metaphase भाई पहले ही अटैच हो जाता है एनटारडी को थोड़ा सा ना बेटा बीच-बीच में ये थोड़े से पियकड़ टाइप हो जाते हैं यस yes, मेरे बच्चों ठीक है yes. यस डन चलो अब आगे चलते हैं अब हम देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों साइटोकाइनेसिस मैंने इसका बहुत बेहतरीन सा डायग्राम बनवाया था जो कि है ही नहीं फिर से जो चीज मैं चाहती हूं डायग्राम दिखे बच्चों को अच्छा सा वो आज है ही नहीं कोई नहीं बेटा हर दिन एक जैसा नहीं होता यस मैम एन वैल्यू और सी वैल्यू अशोक आप शुरू से नहीं देख रहे थे सेशन बहुत अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन किया है ठीक है चलो आ जाओ अब आ रहे हम साइटोकाइनेसिस पे क्या होता है साइटोकाइनेसिस बच्चों साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस साइटो ठीक है बच्चों ये कहते हैं आ जाओ एक तो दुखड़े मत गाओ आज मैम मुझे बहुत हेडेक हो रहा है मैं सच बता रही और मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही है पढ़ाने में तो मेरे भी सुनो फिर सुबह उठी मम्मी का कॉल आ गया मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो अपनी होली लेने आ जा वहां गई फिर वहां से सारा सामान लेके आई फिर घर आई घर का काम किया फिर ध्वनि को देखा सब कुछ किया कोई रेस्ट नहीं कॉन्टिन्यूस वर्किंग मतलब रात में आई हार्डली स्लेप फॉर फोर आवर्स मतलब परसों से अभी सिर्फ चार चल रहा है में. नहीं हो तुम यूनिक यार इतने नहीं हो तुम यूनिक सबका स्ट्रगल चल रहा है आज जोंगसुक भी खड़ा है पढ़ रहा है ठीक है वहां पे इंद्रियानी भी पढ़ रही है वहां पे दिव्या भी पढ़ रही है अपना पानी पीते रहो और पढ़ते रहो दिस इज लाइफ मेरे बच्चे आप डॉक्टर बनने जा रहे हो आपको चार बजे भी कॉल आ सकता है कि भाई डिलीवरी होने वाली है बच्चा पैदा होने वाला है आजा भाई बच्चा पैदा करा दे यस yes. क्या करोगे फिर क्या करोगे है ना यस yes. यही मैं आपसे कह रही हूँ बच्चों यही तो लाइफ का स्ट्रगल एंड नाउ यू स्टार्ट इंजॉइंग इट क्योंकि जिसके पास काम नहीं है ना कोई वो सबसे दुखी आत्मा है आज की डेट में तुम तो खुश ही मनाओगी यार तुम्हारे पास काम है पढ़ने का तुम तो अब डॉक्टर बनने वाले हो तुम इतने खुश नसीब हो तुम्हारे ऊपर भगवान की दुआएं हैं कि यू हैव सम वर्क तुम कुछ कर सकते हो लाइफ में सोचो उन लोग के बारे में जिनको मौका तक नहीं मिल रहा पढ़ने का बहुत से है लोग जो चाह रहे थे डॉक्टर बनना बट नहीं बन पाए शायद वक्त से पहले उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई तो बच्चों इसलिए अपने आप को बिल्कुल भी ना अहमियत मत दो अहमियत तो देनी है अपने समय को अपने टारगेट्स को उनके आगे आप थोड़ी कुर्बानी तो सबको देनी पड़ती है यार आज हम भी दे रहे हैं तुम भी दे रहे हो और आगे देखना कितना ब्यूटीफुल कल एम्स के बच्चे आए थे सोचो कि कितना मुझे अच्छा लगेगा जब कांता आके वहां पे बैठेगी कि मैम मैं भी एम्स हूँ मैम मैं आप वीडियो बनाने आई हूँ आपके साथ जब श्रेया कही मैम आई एम फ्रॉम एम्स डेली मैम आई एम फ्रॉम एम्स जोधपुर मैम आई एम फ्रॉम एम्स कल्याणी मैम आई एम फ्रॉम ए एफ एम सी सोचो कितना जबरदस्त फीलिंग है वो यार उस फीलिंग के आगे ये दर्द कुछ भी नहीं है जब एक बच्चे का जन्म होता है ना तो माँ को बहुत दर्द होता है बट वो फिर भी भूल जाती है जैसे उसकी बहुत सुनती है अपने बच्चे की पहली किलकारी क्योंकि उसे पता है कि वो खुशी ज्यादा है उस दुख से उस उस दर्द से जो उसने झेला है तो ये आज की परीक्षा है माना मैंने बट ये परीक्षा देखना तुम क्या वो दिन होगा जब तुम्हें पता लगेगा कि आप के साढ़े छ सौ नंबर आ रहे हैं और अब तुम्हारा कोई रोक नहीं सकता अब तुम्हें ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा जस्ट ट्राई टू फील दैट फीलिंग कितनी अमेजिंग है वो फीलिंग जब तुम पांच मई को एग्जाम हॉल से निकलोगे अपने आंसर की मैच करोगे और तुम कहोगे मैम डैम सिक्स फिफ्टी डन सिक्स फिफ्टी डन नींद नहीं बस एक घंटे की और बात है इतनी जल्दी तुम सोओगे भी नहीं तुम अभी पता क्या करोगे तुम अभी रखोगे अपने आप को रिलैक्स करने के लिए रील्स देखोगे शॉर्ट्स देखोगे उसमें एक घंटा बिताओगे सच बता रही हूँ तो इससे बेटर की मेरे साथ एक घंटा और पढ़ लो और फिर ढंग से नींद लो है ना बच्चों तो चलो आओ उस पांच मई की तैयारी करते हैं जिस दिन आपका सिलेक्शन पक्का है अगर तुमने ठान लिया है तुम्हारे टीचर्स ने ठान लिया तुम्हारे साथ मेहनत करने के लिए तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता कोई भी नहीं रोक सकता ठीक है चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो पे कर रही हूं मैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो इसमें मैं हमेशा टैबुलर फॉर्म में पढ़ाती हूं वाला टॉपिक क्योंकि मुझे इसे टेबल फॉर्म में ही पढ़ाना सही लगता है क्योंकि दोनों का हम जो है मैच कर लेते हैं कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं ठीक है तो यहाँ पे हम प्लांट्स का केस ले लेंगे बच्चों और यहाँ पे हम एनिमल्स का केस ले लेंगे कि एनिमल्स और प्लांट्स में कैसे हो रहा है डिविजन ठीक है और यहाँ पे हम पैरामीटर ले लेते हैं कि किन आधारों पर हम इसे अलग करेंगे दोनों में तो पहला है सेंट्रियोल ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है नीट का जो बन सकता है कि सेंट्रल जो प्लांट्स में वो होते 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 हैं होते है? होते हैं हैं ठीक है क्या होता ही नहीं है प्लांट्स में सेंट्रल होता नहीं है जबकि एनिमल्स केस में सेंट्रल क्या है प्रेजेंट होता है तो सबसे पहले तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि प्लांट्स में सेंट्रल इज एप्सेंट वहां पे एनिमल्स में सेंट्रोल इज प्रेजेंट ठीक है दूसरी चीज एस्टर फाइबर्स एस्टर फाइबर्स देख के थे ना वो छोटे वाले जो फाइबर्स है ये जो छोटे वाले फाइबर्स है एस्टर फाइबर्स वो प्लांट्स में क्या है बच्चों एब्सेंट क्या है एब्सेंट तो इस तरह के डिवीजन को जहां पे एस्टर फाइबर्स नहीं बनते इसे कहते हैं एम्फी एस्ट्रल क्या कहते हैं ऐसे डिवीजन को एम सॉरी एन एस्ट्राल्स क्या लिख रही हूं मैं अभी एन एस्ट्रल क्या कहते हैं उसको एन एस्ट्रल क्योंकि एबसेंट होते हैं ठीक है वही पे एनिमल्स केस में हमने देखा था कि फाइबर्स क्या बच्चों प्रेजेंट होते हैं क्या होते हैं प्रेजेंट अब आते हैं डिवीजन का पैटर्न किस तरीके से डिवीजन हो रहा है ठीक है तो प्लांट के केस में सेंट्रीफ्यूगल टाइप का डिवीजन हो रहा है पैटर्न सेंट्रीफ्यूगल जबकि प्लांट प्लांट केस में सेंट्रीफ्यूगल हो रहा है जबकि एनिमल के केस में क्या हो रहा है सेंट्रीपिटर क्या हो रहा है बच्चों सेंट्रीपिटल हो रहा है अब कैसा है डिफरेंस देखते हैं ये देखिए बेटा ये एक सेल है ये एक सेल है ये एक न्यूक्लियस न्यूक्लियस ये टीलो फेज है राइट मेरे बच्चों दिस इज व्हाट यू कॉल टीलो फेज इसी तरीके से दिखता हमारा टीलो फेज अब क्या हुआ ये बाहर की तरफ निकलना चाहता है ये देखा चने के खेत में चोरा चोरी चलेंगे ये वाला स्टेप आपने देखो बस इसी तरीके से हो रहा है डिविजन किसमें प्लांट्स के केस में यहाँ पे देखिए अब कैसे हो रहा है ध्यान से देखो ये ऊपर ये देखिए इस तरीके से ये बाहर की तरफ जा रहा है ये देखिए इस तरीके से तो होगा क्या जो हमारा सेल है प्लांट सेल ध्यान से देखना वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये देखिए कुछ इस तरीके से ये देखिए ये कुछ इस तरीके से बन गया ठीक है अब यहाँ पे अगर आप ये दोनों सेल्स अब देखो अब आगे देखते हैं ये दोनों सेल्स ये दोनों सेल्स कुछ इस तरीके से बनते हुए ये देखो बन गए इस तरीके से अब इन दोनों के बीच में ये वाला जो ब्लू वाला हिस्सा है ये ब्लू वाला ये है मिडल ये क्या बनी पहले पहले यहां पे क्या बनी बच्चों सेल प्लेट क्या बनी यहां पे सेल प्लेट और उस सेल प्लेट के कारण हमारे दो सेल्स डिवाइड हो गए ठीक है और यहां पे जो ब्लू कलर से मैम बना रही है ये हमारा क्या हमारा मिडल लेमिला क्या बच्चों ये हमारा ये मिडल लेमिला हमारा क्या है? ठीक है और यहाँ पे ये मिडल लेमिला जो कनेक्शन इन दोनों के बीच में ये वाला जो कनेक्शन इन दोनों के बीच में इसे क्या कहेंगे प्लाज्मो डेस्मेटा क्या कहेंगे बच्चों इसको प्लाज्मो डेस्मेटा और यहां पे इसके आप वॉल बना लो

जब हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से सेल है टीलो का ठीक है ये कौन सा स्टेप है अंदर आ रहा है अंदर फरो बनेगा क्या बनेगा फरो देखो कैसे बनेगा ये देखो हमने तुमको चुन लिया है ये देखो ये देखो अंदर की तरफ मूवमेंट है ये देखो अंदर की तरफ सेंट्रीपीटर अंदर की तरफ फरो बन रहा है दिस इज कॉल्ड फरो फॉर्मेशन ठीक है यस फरो फरो बन रहा है अब यहां से दो सेल बन गए एक और ये दो सेल वॉल का ड्रामा होता नहीं मिडल एमिला का ड्रामा होता नहीं इस तरीके से सिंपल डिवीजन हो गया इन केस ऑफ एनिमल्स देख हो बच्चों फरो सेंट्रीपीटर सेंट्रीफिगेशन सब देख रहे हैं बिल्कुल डिफरेंस बिल्कुल एनसीईआरटी ठीक है अब यहां पे, अब पे हमें नेक्स्ट टॉपिक करना है इसका सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस में और देखो बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है सीन का सीन. क्या होता है काल्चीसीन ठीक है यस yes. क्या होता है कॉल्चीसीन कॉल्चीसीन एक पॉइजन है क्या है एक इसे हम माइटोटिक पॉइजन कहते हैं माइटोटिक पॉइजन ये सेल को अरेस्ट कर लेता है एट मेटाफेस क्या करता है अरेस्ट सेल डिवीजन एट मेटाफेस कहां पे कर डिवीजन को अरेस्ट कर लेता है और जब ये सेल डिवीजन को अरेस्ट कर लेता है एट मेटाफेस दिस विल लीड टू एंड एन्यूप्लॉडी क्या लिखो मेरे बच्चों क्या लिखो एन्यूप्लॉडी पॉलीप्लॉडी दिस लीड्स टू पॉलीप्लॉयडी क्योंकि यहां पर मतलब अब जो है नो नंबर ऑफ क्रोमोजोन्स विल बी देर इसलिए और ये जो कॉल्चिसन है यह किससे लिया जाता है कॉल्चिकम से किससे ऑप्टेन किया जाता है कॉल्चिकम से कॉल्चिकम ठीक है ये हमारा कुछ पॉइंट जो एक्स्ट्रा मुझे लिखवाने थे इस वाले पार्ट में अब हम चलेंगे मियोसेस पे स्टार्ट करें मेरे बच्चों पानी पी लो फटाफट फड़ से पानी पीते रहो होता रहेगा आ जाओ लिलियशी यस अरे वाह आसफ फैमिली भी बता दे रहे हो ऐसे ना करो मेरे प्यारे बच्चों नजर लग जाएगी ऐसे बाजार जाया करो नजर लग जाएगी चलो आ अब इसके साथ स्टार्ट करते हैं हम तो यहाँ पे अगर हम न्यूसिस की बात करें इक्वेशनल डिवीज़न रिडक्शनल डिवीज़न कैसा रे चलो जल्दी बताओ इक्वेशनल या रिडक्शनल जल्दी जल्दी आंसर देंगे इट्स अ रिडक्शनल डिवीजन ये एक तरह का क्या बच्चों रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें टू एन से जो सेल का नंबर है वो एन हो जाता है यानी कि यहाँ पे हम डिप्लॉइड से क्या बना रहे हैं सेल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं यहां से हम डिप्लॉइड से हेप्लॉइड सेल बना रहे हैं यहाँ पे एक मदर सेल से कितने सेल्स मिलते हैं लास्ट में एक मदर सेल से शुरू करते हैं तो कितने सेल्स मिलते, है? मिलते हैं फोर डॉटर सेल्स मिलते हैं फोर डॉटर सेल्स और वो फोर क्या है चार हिप्लॉय डॉटर सेल्स हमें मिलते हैं इन केस ऑफ मियोसिस वन मदर सेल से नेक्स्ट किन सेल्स में होता है सोमैटिक सेल्स है जॉम सेल्स कहां पे मिलता है ये सोमैटिक सेल्स है जॉम सेल्स कहां पे होता है ये होती है मियोसिस की प्रोसेस केवल और केवल जॉम सेल्स में किस में होती है केवल और केवल जॉम सेल्स में ठीक है और ये जॉम सेल्स कहां मिलते हैं ओवा एंड स्पर्म ओवा स्पर्म ठीक है गोनाड्स में मिलते हैं ओवरिया टेस्टिस में ठीक है बच्चों फिर आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है क्या ये वेरिएशन लाता है यस और नो तो आप कहेंगे यस मैम इसमें वेरिएशन आती है क्यों आती है क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है और यही क्रॉसिंग ओवर किसको रिजल्ट करती है एवल्यूशन को किसको रिजल्ट करती है एवल्यूशन को ठीक है और यही जॉम्स है विच रिस्टोर्स द डिप्लॉयडी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ठीक है दूसरा क्या इसका रिस्टोर डिप्लोइडी रिस्टोर डिप्लोइडी फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ठीक है बच्चों? यस समझ आ हाँ, में आ गया ये हाँ काइजमेटा भी आएंगे बहुत बहुत उछल रहे हो भाई आज की क्लास में हैं? जबरदस्त उछल रहे हो चलो अब इधर देखो क्या क्या फेजेस है मियोसिस के के फेज देख लेते हैं म्योसिस तीन हिस्सों में बटा हुआ है कितने हिस्सों में बटा हुआ है तीन इंटरफेस वन मियोसिस नहीं कि या यहां पे भी इंटरफेस लगाऊं क्या लगता है तुम्हें क्या यहां पे भी इंटरफेस लिखूं या ना लिखूं क्या करूं यस और जेर सोमैटिक का मतलब होता है जो तेरे कोमल बदनिया के सेल्स हैं उनको कहते हैं सोमैटिक सेल्स ठीक है हाँ डिप्लोइडी का मतलब होता है टू एन ये इसी साल क्लियर करना चाह रहे हैं ना नीट इतना भी आसान नहीं आता यार बायो मानव ठीक आता है बायो इतनी बेजती भी करने की जरूरत नहीं आज की क्लास में यस इंटरफेज एक ही बार आएगा मियोसिस में एक ही बार एस फेज आएगा एक ही बार जीवन फेज आएगा एक ही बार जी टू फेज आएगा ठीक है तो यहाँ पे जीवन एस जी टू ये फेजिस हो गए अब आते हैं फिर उसके बाद आता है मियोसिस वन मियोसिस वन में क्या आता है सबसे पहले प्रोफेज वन कौन सा आता है प्रोफेज वन प्रोफेज वन में भी बड़े सारे फेजेस हैं जैसे लता जरा पप्पी दे दो है ना यस ये ट्रिक मेरे बच्चों ने ही बताई है बिल्कुल बदमाश बच्चे आते हैं क्लास में मैं क्या बताऊं तुम्हें बिल्कुल बदमाश बच्चे मैंने इतनी अच्छी ट्रिक बनाई थी लेडी जोई प्लीज डू डांस इनको हजम नहीं हुई कहते तो मजा नहीं आया मैम बिल्कुल मजा नहीं आ रहा मैंने कहा मजा कैसे आएगा मैम लता जरा पप्पी दे दो मैंने कहा बड़े बदमाश बच्चे क्या बताओ तुम्हें ठीक है तो लता जरा ठीक है लेप्टोटीन लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन डायसिस डायकाइनसिस ठीक है बच्चों अब प्रोफेस वन के बाद क्या आएगा बदमाशो बता दो जल्दी से चैट बॉक्स में प्रोफेज वन खत्म हुआ तो उसके बाद मेटाफेज वन आएगा मेटाफेज वन फिर आएगा एनाफेज वन एनाफेजन फिर आएगा तीलो फेज वन ठीक है जब ये सारे वन 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 खत्म हो जाएंगे फिर क्या शुरू होगा आपका मियोसिस टू क्या शुरू होगा मियोसिस टू लाली जरा पान दे दो लाली बुआ याद आ गई मुझे इस बात पे अच्छा नहीं लगता मैं किसी सेशन में अपनी बुआ का नाम ना लू लाली बुआ याद आ गई आप चलो आ जाओ मेटाफेस टू पे चलते हैं जिसमें आएगा प्रोफेस टू ठीक है मेटाफेस टू anaphase 2 telophase 2 ठीक है जब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में भी एक समय होता है समझने का कि क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं ठीक है उस समय को कहते हैं इंटरकाइनेसिस क्या कहते हैं उस समय को जी स्क्वायर आर्मी इन दोनों के बीच का जो समय होता है उसे कहते हैं इंटरकाइनेसिस बस सोच रहा है वेट कर रहा है जाऊं ना जाऊं आगे यस yes. लता जरा पालक धो दो, दो. तो यहां पर तुम क्रिएटिव हो जाते हो क्लास में अब यहां तुम्हारी क्रिएटिविटी बाहर निकल निकल के आती है कूद कूद के आती है सच बता रही ठीक है आजो। अब आते हैं सबसे पहले शुरू करेंगे मियोसिस क्या शुरू करेंगे मियोसिस वन बेटा इसके डायग्राम बनाने में मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा तो देखते रहना प्रोफेस वन अब प्रोफेस वन में पहला हम आएंगे लेप्टोटीन पे किस पे आएंगे लेप्टोटीन लता जरा पानी दे दो ये भी हो सकता था बट तुम लोग का इतना ना गंदा दिमाग है बाय गॉड पप्पी पप्पी करते रहते हो दिन भर पानी दे दो था यार पानी दे दो यस yes. इनकी जो ख्वाहिशें हैं ना दबी हुई मैम बेबी बुआ कैसी है मैम बहुत अच्छी है बेटा बहुत अच्छी बात करना बंद कर दिया उन्होंने मुझसे अच्छी है ये वही बुआ है जिन्होंने रमन को पकड़ लिया था कि रोका करेगा तो ही मिलने दूंगी वरना मिलने नहीं दूंगी अपनी छोरी से यस यस सो बेबी बुआ हर जगह कुछ ना कुछ अलग काम करने के लिए बनी होती है हर घर में यस yes. आयो ये हमारा न्यूक्लियस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना चाह रही है हुई नहीं है होना चाह रही है ठीक है मेरे बच्चों टूटा हुआ साज मैं खुद से क्यों नाराज हूँ मैं नहीं, 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 सोचता हूँ बुआ मेरी क्या सोचती है चलो आ जाओ भाई ये है हमारा सेल ये कुछ ऐसे दिखता है लेप्टोटीन ठीक है की अगर बात करें तो इसकी टू एन और टूसी वैल्यू बता दो सबसे पहले तो क्योंकि अब जो मियोसिस है ना उसमें ये चीज लिखना हर स्टेप पे बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए पहले हम कुछ नहीं करेंगे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बच्चे कितना समझ रहे हैं कि, कि कितनी टू एन वैल्यू और कितनी टू सी वैल्यू है यस yes, मेरे बच्चों यस yes. अब ये ऐसी फैला हुआ होता है इसका कोई मेरे पास कोई इलाज नहीं है बताने का यस yes. मैम इतने एक्सप्लेनेशन से क्या होगा कुछ नहीं होगा बड़ा नीट क्लियर होगा बस ज्यादा कुछ नहीं होगा यस yes. आप देखो यहाँ पे चार क्रोमोजोम हैं फोर क्रोमोजोम्स हैं बट एस फेज हो चुका है तो जितना भी क्रोमोजोम नंबर उससे डबल क्या होगा टू सी वैल्यू तो यहाँ पे आप आठ लिखोगे एट क्योंकि एस फेज के बाद आए हमारा मियोसिस वन लेप्टोटीन तो यहाँ पे डबल हो चुका है ठीक है मेरे बच्चों ये चीज देखनी होगी हाँ चलो आ जाओ इसलिए तो बेटा मैं रात में सेशन लेती हूँ बुआ जल्दी सो जाती है ना फिर बुआ सो जाती है जल्दी भजन वजन करके तो मेरी लाइव स्ट्रीम नहीं देखती है यस आ जाओ अब आ रहे नेक्स्ट पे ये जो लेप्टोटीन है लता लता कैसी दिखती है बिल्कुल फूलों के बगीचे की तरह इसे बुके स्टेज कहते हैं क्या कहते हैं उसे बुके स्टेज ये वही बुक है जिसकी स्पेलिंग तुम्हें नहीं आती फूलों का गार्डन गार्डन दिख रहा है बिल्कुल क्या दिख रहा है फूलों का गडनिया गार्डन दिख रहा है फूलों का इसलिए बुके स्टेज कहते हैं ठीक है इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है स्टार्ट टू डिसअपियर क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर हुई नहीं है स्टार्ट कर रही है बस अभी कंडेंसेशन भी नहीं हुआ है भाई अभी तो कंडेंसेशन भी नहीं हुआ है कंडेंसेशन भी क्या स्टार्ट हो रहा है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम बिगिंस क्रोमोजोम बिगिंस ठीक है भाई यहां तक सबको समझ में आ गया यस yes. मैम आपको इंस्टा पे टेक्स्ट किया था आपने देखा नहीं अच्छा बेटा तुम्हारे जितना इंस्टा थोड़ी चलाती हूँ मैं दिन भर नोट्स बनाने होते हैं रिवाइज करना होता है पढ़ना होता भाई। <laughs> है भाई अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेज कौन सा है क्योंकि ये जो स्टेप है ना जायोटीन ये जो स्टेज है इसमें जरा जरा टच मी मी, टच मी क्यों क्योंकि टच करने से ही ना कॉम्प्लेक्स गाइस यस अभी क्या है ना जरा जरा टच मी टच मी टच मी तो एक क्रोमोजोम दूसरे क्रोमोजोम को कह रहा है टच टच हो गए बन गया सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स बस गाइस इससे ज्यादा आपको करना ही नहीं है साइनेप्सिस होगा बाइलेयर बनेगा बिल्कुल सही कह रहे बच्चे तो इसलिए गाने को याद रखना जैसे जाइगोटीन आ जाए नीट एग्जाम में जरा जरा टच मी टच मी टच मी टच ही कराना ज्यादा कुछ मत कराना ना बस कराना है क्योंकि जो भी कुछ होगा वो पैकेटीन में कराएंगे यहाँ नहीं कराएंगे ठीक है चलो अब देखो ये क्या है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ध्यान से देखो ये हमारा एक क्रोमोजोम है ये रहा वन ठीक है ये रहा टू अब पहले तो ये बता दो क्या ये दोनों होमोलोगस है या नहीं पहले तो यही बता दो चार्टॉक्स में क्या ये दोनों होमोलोगस है या नहीं कलर के बेसिस पे बता दो यार ज्यादा दिमाग मत लगाओ यार ये yes. जल्दी बताओ बच्चों एवरी एक और बना देते हैं ये देखिए जरा जरा टच मी टच मी तच मी टच टच ये देखिए करवा दे रहे बिल्कुल और ये जो टच कराने का प्रोसेस है ना इसे साइनाप्सिस बोलते हैं क्या कहते हैं बच्चों इसको साइनापसिस तो सबसे पहले जो हम कंटिन्यू करेंगे व्हाट इज टू एंड वैल्यू एंड व्हाट इज टू सी वैल्यू इस स्टेप की टू एन वैल्यू क्या है इस स्टेप की टू सी वैल्यू क्या है पहले तो जल्दी से ये बता दो चैट बॉक्स में फिर मैं कुछ और चीज बताऊंगी yes. क्या है टू वैल्यू क्या है टू सी वैल्यू अगर टू वैल्यू देखो यस वन टू थ्री फोर कितने आर्मी चार क्रोमेटिड्स कितने यहां तक सब बच्चे को बिल्कुल समझ में आ रहा है बेटा देखो दूसरों का आंसर देख के मत करो खुद से चैप्टर समझो और आंसर देने की कोशिश करो ठीक है मेरे बच्चों चलो अब आते हैं दूसरे पे जरा जरा टच मी प्रोसेस का नाम क्या है सिनेप्सिस क्या नाम है सिनेप्सिस सिनेप्सिस को हम क्या बोलेंगे एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हो रहा है क्या हो रहा है इसमें प्रोसेस में फॉर्मेशन ऑफ सिनाप्टोनिमल फॉर्मेशन ऑफ सिनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहां पर कॉम्प्लेक्स आर्मी बनता हुआ ये देख रहे हो ना ये देखो अब पहले अकेला था अब ये दुकेला है दुकेले को अंग्रेजी में कहते हैं बाइवलेंट क्या है बायलेंट तो अगर मैं यहाँ पे पूछू नंबर ऑफ बाइवेंट कितने हैं तो क्या आंसर होगा मेरे बच्चों क्या आंसर होगा अब सोचो अगर क्वेश्चन नीट में आ रहा है कि ऐसा सेल दिया हुआ है और आपसे वो पूछ रहा है कि भाई कितने बाइवैलेंट्स हैं तो ये एक जोड़ा ये दूसरा जोड़ा तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं चार बट अगर वो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ बाइवैलेंट्स कितने हैं तब आपका आंसर होगा टू तब आपका आंसर क्या होगा 2 और अगर यहीं पे मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि इन अ सेल इन अ सेल थर्टी बायस वर प्रेजेंट वर प्रेजेंट हाउ many क्रोमोजोम्स हाउ many क्रोमोजोम्स विल बी प्रेजेंट इन गेमीट चलो अब बताओ क्या आंसर होगा अब बताओ आंसर क्या होगा क्या शानदार क्वेश्चन मैम ने बनाया टेट्राड यहां नहीं बनेगा विवेक तिवारी वो बनेगा पैकेटिंग में चलो भाई जल्दी बताओ चैट बॉक्स में सबसे पहले क्वेश्चन को उल्टा चलाएंगे मैम कह रही है कि यहां पे 30 है. तो यानी कि टू होगी सेल की 60. और अब कह रही कि कि इस 60 वाले सेल से गेमीट बनेंगे यानी रिडक्शनल डिविजन होगा तो कितना होगा गेमीट में गेमीट में इसका हाफ होता है जो भी नंबर होता है उसका आएगा अब यार गधेड़ो गो क्या आंसर दे रहे हो चैट बॉक्स में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा यार, बिल्कुल या तो तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर है या तुम सुन नहीं रहे हो को, सुनो, 30 हैं, यानी कि ऐसे जोड़े तीस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हो गए साठ हो गए ना टू इंटू करोगे ना थर्टी से

बाइवेलेंट का एक क्वेश्चन मैंने डाला तो था हाँ ये रहा ना ये वाला चलो करो ये वाला क्वेश्चन करो ये वाला क्वेश्चन चलो करो अब इस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल भी नाम डुबोने की जरूरत नहीं है मेरी मैम इट्स फॉल्ट ऑफ इंग्लिश ये सेम बात तुम ना जाके नीट के पेपर में बोलियो कि फॉल्ट तो सारा इंग्लिश का है हाँ चल जल्दी बता जल्दी बता Come on guys. Hmm. Yes. क्या आंसर अब आ रहे हैं यहां पे देर आर थर्टी क्रोमोजोम इन जीवन फेज देन वॉट विल बी द नंबर ऑफ बायलेंट्स इन जाइोटीन स्टेज क्रोमोजोम नंबर कभी बदलते नहीं है तो इसका आंसर होगा फिफ्टीन ठीक है इसको बिल्कुल भी टू एक्स वो एक्स कुछ फालतू करने की जरूरत नहीं इसका आंसर डायरेक्ट होगा फिफ्टीन क्योंकि थर्टी क्रोमोजोम अगर जीवन फेज में है तो एस फेज में भी थर्टी होंगे जी टू में भी थर्टी होंगे और एम वन में भी थर्टी होंगे ठीक है बच्चों यस yes. डन चले वेरी नाइस nice. बस ऐसे ही क्वेश्चन करने बेटा बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्वेश्चन सॉल्व कीजिए वाला एवरीवन सोल्व दिस क्वेश्चन गाइस सोल्व दिस क्वेश्चन कॉमन गाइस हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन आर नीडेड फॉर टू मेक वन टी एट सेल्स हांजी तो टू की पार एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइकल नंबर ऑफ साइकल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल्स ये फॉर्मूला है ठीक है बच्चो तो टू की पार एन इक्वल्स टू ये है वन ट्वेंटी एट ये वन कितना बता रहे हाँ टू मेक वन ट्वेंटी एट सेल्स ठीक है तो एन क्या होगा कि वन ट्वेंटी एट सेल्स आ जाए बताओ भाई क्या होगा सिक्सटी फोर ठीक है भाई सिक्सटी फोर डन बच्चों ये भी डन है चलो नेक्स्ट आ जाओ ये वाला क्वेश्चन करेंगे अब सब ये वाला दिस क्वेश्चन KGA वाला क्वेश्चन खून निकाल दिया क्या करो करो फटाफट से रुको बेटा खून ज्यादा निकाल दिया मैंने अपने हाथ से क्रीम लगा लू सारा लाल हो गया हाथ रे क्या आंसर है हाउ मेनी म्योटिक डिविजन इज रिक्वायर टू प्रोड्यूस हंड्रेड पॉलिन ग्रेन तो एक मदर सेल से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार पॉलिन बनते हैं चार पोलन बनते हैं तो कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार पॉलन बनेंगे 25 अगर हम ये लेंगे तो 25 इंटू चार सौ बनेंगे हमारे पोलिन तो कितनी म्योटिक डिवीजन चाहिए होगी 25 किसने पच्चीस पच्चीस आंसर दिया है जिसने भी पच्चीस आंसर दिया पूरे चार नंबर ले लो भाई यही आंसर है यस yes. ठीक है चलो अब आते हैं नेक्स्ट फेज पे अभी तो हम सिर्फ आई थिंक थिंकोटीन पे गए हैं ना अब हम नेक्स्ट फेज पे आ रहे हैं लता पप्पी यानी कि आप पैकेटीन पे आ रहे हैं आ जाओ पैकेटीन पे पैकेटिन एक डायनेमिक फेज है बहुत जबरदस्त आप देखना यहाँ पे ध्यान से देखना डायग्राम मैम कैसे बना रही है इसके डायग्राम ऐसे ही बनाने पड़ेंगे मेहनत से एक बार मेहनत कर लो चैप्टर में फिर लाइफ सॉर्टेड है ये देखिये अब देख रहे हैं कुछ लग रहा है कि कुछ हो रहा है इन दोनों के बीच में प्यार का इजहार लग रहा है हो रहा है या नहीं हो रहा है यस जल्दी बताओ चैट बॉक्स में तो यहां पे यहाँ पे पैकेटिन में एक स्टेप होता है बट उस एक स्टेप को समझाने से पहले बच्चे बताएंगे वैल्यू एंड वी वैल्यू बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा कि क्या क्या हो रहा है यस yes. yes. जल्दी बताइए जल्दी बताइए कम ऑन गाइस हाँ जल्दी बताइए मुझे भी ये लग रहा था उसकी वैल्यू सेवन होगा इन ने लागू फोर बता दिया यस yes. अभी वापस मैथ थोड़ा सा कमजोर है मैम का आ तो यहाँ पे कितने चार क्रोमोजोम हैं और है? ये कितने हैं एट पहली चीज तो ये लेट्स कीप इट लाइक दिस दूसरा आते हैं क्या क्रॉसिंग ओवर होते हुए दिख रही है यस बट क्रॉसिंग ओवर से पहले यहां पे चारों क्रोमेटेड बहुत अच्छे से विजिबल है तो यहां पे हम बाइविलिंग टर्म यूज नहीं करेंगे बल्कि उसकी जगह जो टर्म यूज करेंगे वो है टेट्राड तो यहां पे टेट्राड आर विजिबल

सिस्टर क्रोमेटेट्स बिटवीन सिस्टर क्रोमेटेट्स ऑफ होमोलोगस ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अब जब क्रॉसिंग ओवर करा रहे हो तो एंजाइम कौन सा चाहिए रिकॉम्बिनेस एंजाइम कौन सा चाहिए बच्चों रिकॉम्बिनेस

थोड़ी सी गलती हो गई थी थैंक यू सो मच हम्म ठीक है बच्चों यस अरे हाँ हाँ कर लिया सही मैंने पहचान लिया कि तो हमने आज हमारी गलती बता दी इसी बात पे हम तुम फैन हो गए बिल्कुल बढ़िया से अमुआ कसम बिल्कुल फैन कर दियो आज तुम हमें हां जी चलो आ जाओ अब आ रहे इसके बाद हम पैकेटीन के बाद आ रहे डिप्लोटीन पे किस पे आ रहे डिप्लोटीन डिप्लोटीन पे वो बहुत अच्छे से नजर आता है जो तुम्हारी जिंदगी में अब नजर नहीं आता है कौन हूं मैं एक्स कौन हूं मैं एक्स ठीक है आ जरा ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता हुआ फिर से यहां पे हम अच्छे से एक्स बनाते हुए ये देखिए ये अब मैं क्रॉसिंग ओवर करा चुकी हूं देख रो डंडिया जो है आपस में एक्सचेंज हो चुकी है ये देखिए ये देख एक्सचेंज कर रहा मैं पैकेटिंग अगर देखोगे अब बिल्कुल एक्सचेंज कर चुके हम डंडिया दोनों की अब देखोगे तो दोनों की टांगों को मैम एक्सचेंज कर चुकी है ये, ये देखिए ठीक है बच्चों अब यहां पे जो दिख रहा है वो कौन है एक्स कौन है वो एक्स तो यहां पे एक स्ट्रक्चर है काइज मेटा काइज मेटा इज एक्स शेप्ड कैसे इसका शेप एक्स शेप्ड ये होता है कैसा होता है एक्स शेप्ड ये बहुत अच्छे से विजिबल होता है और इस टाइम पे क्या ना दूरियां हो, हो रही है अब एक्सचेंज हो चुका है बेट अब हो रही है डेजोलूशन डी से याद रखना है डिप्लोटीन डिप्लोटीन से याद रखना डेजोल्यूशन ऑफ सीने बचो डेजोल्यूशन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बस अब खत्म हो रहा है एक्स अब उसकी जितनी जल्दी यादें भी बाहर निकाल दो अपनी लाइफ से उतना ही अच्छा है बच्चों मेरे ठीक है यस आप छोड़ दो उन चीजों को नहीं जानो उन गलियों में अब आता है दाए काईनेसेस। दाए काईनेसेस। चलो भाई अब खत्म करते हैं खेल छोटा छोटा होता हुआ ये देखिये बिल्कुल कंडेंस हो चुका है क्रोमोजोम ध्यान से देखिएगा जी स्क्वायर आर्मी बिल्कुल कंडेंस होता हुआ क्रोमोजोम छोटू छोटू हो गया बिल्कुल ये देखिए तो सबसे पहले डायकाइनेसिस में क्या हो रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली पूरी की पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डिसअपियर ठीक है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के गायब होने के साथ साथ तो और क्या चीजें जो गायब होंगी इस टाइम पे यस yes, मेरे बच्चों yes. और क्या चीजें जो गायब होंगी कम ER. ऑन एवरी वन यस और क्या चीजें जो गायब होगी ईआर गॉल्जी, न्यूक्लियोलस क्रोमोसोम्स क्रोमोजोम्स कंडेंस, यस और नो यस क्रोमोजोम्स फुली कंडेंस्ड, क्या अब एक्स बचा है नहीं बेचा एक्स नहीं बचा है क्योंकि टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्या हो चुका है काइजमेटा क्या हो चुका है अब Terminalization of हो गया complete? Yes, मेरे बच्चों क्या यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है क्लास में मैंने पूरा ढंग से डायग्राम अच्छे से मैं टाइम ले रही हूँ उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए क्योंकि बार बार ये चैप्टर कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता छोटा सा चैप्टर है तो आज एक बार ढंग से पढ़ लो जिससे कि आपको कोई भी कमी ना रहे नीट एग्जाम तक क्योंकि इसके बाद जो भी रिवीजन होगा वो बहुत फास्ट रिवीजन होगा जैसे आधे घंटे में में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया यूनिट वाइज मैराथन कराऊंगी जिसका पहला मैराथन 29 मार्च से शुरू कर रही हूं वन शॉट कंप्लीट इकोलॉजी तो अब जैसे जैसे, जैसे चैप्टर्स हमारे अब खत्म होते जा रहे हैं बच्चों फिर वैसे वैसे अब मैं हफ्ते में एक मैराथन फिर हफ्ते में दो मैराथन फिर तीन फिर चार

इससे आज अच्छे से समझ लो डायग्राम समझ लो जो जो छोटी छोटी चीजें है सब समझ लो ठीक है चलो अब आते हैं प्रोफेस वन खत्म हो गया तो प्रोफेस वन के बाद क्या होगा हा भी बना रहे स्पिंडल फाइबर मेटाफेज वन क्या बनाएंगे बच्चों आप मेटाफेज वन ये जो मेटाफेज वन है ये बिल्कुल माइटोसिस जैसा ही है कुछ अलग नहीं है जैसे कि मान लो ये हमारा सेल है ये हमारा सेल है ये हमारे सेंट्रियोल है ठीक है और यहाँ पे हमारे क्रोमोजोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज है ये देखिए कलर बस ध्यान देना है कि मैम कैसे बना रही हो क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है बिल्कुल भी वैसा नहीं बना सकते जैसे हम पिछली बार बना रहे थे थोड़ा सा हम यहाँ पे अलग बनाएंगे बच्चों ये देखिए आप देख रहे हैं ना मैम बिल्कुल पैटर्न फॉलो कर रही है क्रॉसिंग ओवर का अब यहाँ पे हमारे क्या है स्पिंडल फाइबर्स हैं जो काइनेटो कोर से अटैच हो जाएंगे ये काइनेटो कोर से अटैच हो गए ये देखिये ये जो तरीका है ये वाला जो स्टेज है इसे क्या बोलेंगे मेटाफेज वन वेन ऑल द अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट कहां पे अलाइन हो गए सब इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो गए हैं और एक और चीज मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई थी माइटोसिस में कि एम से एक चीज और याद रखनी है एम से आपको याद रखना है कि मेटाफेज है और एम से आपको याद रखना है मोर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम तो यानी कि यहां पे मोर्फोलॉजी ऑफ भी दिखेगी क्या दिखेगी मोर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम यह भी दिखेगी बच्चों मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट फेज पे इसके बाद वन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज फॉर नीट एग्जाम क्योंकि एनाफेज वन और एना फेज टू का डिफरेंस बहुत ज्यादा नीट में पूछा जाता है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं और जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं वहीं पे एंटी अपना डांस करता है डांस थी डांस थी ठीक है अब देखो इधर एक इधर एक इधर अब मैं कुछ सवाल पूछूंगी जिसके आपने जवाब देने बहुत धैर्य से गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों क्लास ठीक है yes. देखो, देखो बच्चों, क्या यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो रहा है खुद से डायग्राम देखो और मुझे बताने की कोशिश करो जिससे कि नीट एग्जाम तक आपको याद रहे क्या यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो रहा है yes or no? hmm. हाँ मेरी ये वाली इयरिंग गायब हो गई ट्रू यार तुम तुम बड़ी नजरें लगा के बैठे हुए हो hmm. नहीं हो रहा पहली चीज डायग्राम को अपनी आंखों में बसा लो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं हो रहा है नो स्प्लिटिंग ऑफ इस को कर देते हैं कोई नहीं हो रही सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग ठीक है बल्कि यहां पे क्या हो रहा है अगर आप यहां पे देखेंगे इसकी टू एन वैल्यू क्या है और टू सी वैल्यू क्या है बताना चार क्रोमोजोम आठ ही है, ठीक है जबकि अब यहां पे क्या हो रहा है ध्यान से देखो इसके पास टू एन टू सी टू टू सी क्योंकि फ्यूचर न्यूक्लियस बनने वाले है. यहां दो क्रोमोजोम है और चार टू सी वैल्यू यहां पे दो क्रोमोजोम चार हो गया ना हाफ हो गया ना बच्चों हाफ यही एनाफेज वन वो स्टेप है जहां पे एक्चुअल परिडक्शनल डिवीजन स्टार्ट होता है यस yes. यहां पे सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम हो रहा है द एग्जैक्ट वर्ड रिटन बाई एनसीआर दिस इज अ स्टेप वेर सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस प्रोमोजोम्स आकर सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम यहीं पे हो रहा है दो यहां दो यहां क्या मैं कह सकते हैं यहीं पे रिडक्शनल डिवीजन स्टार्ट हो गया गाइस कैन आई से दिस यहीं पे रिडक्शनल डिवीजन स्टार्ट होता हुआ यस yes, बच्चों डन 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 आडन डन यस डन चले अब आगे चलते हैं अब यहां पर टीलोफेस वन क्या आ गया टीलोफेस वन ये दो न्यूक्लियस और यहां पे क्रोमोसोम्स ठीक है अब यहां पर आगे देख लो इस वाले न्यूक्लियस की 2n और 2c वैल्यू बता दो एक बार यस yes. एक बार बता दो हुँ. 2n और 2c वैल्यू बता दो जल्दी से क्या है 2n और 2c वैल्यू जल्दी बताओ जल्दी बताओ चैट बॉक्स में 2n और 2c वैल्यू दो क्रोमोजोम है और चार 2c वैल्यू है अगर इसका भी देखोगे इस वाले न्यूक्लियस का 2n 2c दो और चार ठीक है साइटोकाइनेसिस करा दू यस सानिया वेरी गुड अब इसके बाद यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगी। तो यहाँ पे दो सेल्स मिलेंगे एक सेल, सेल। सेल दो दो मिल गए? यस। yes. हम्म hmm? yeah, बिल्कुल डंडना, डंडना. ये एक सेल ये दो सेल बन गए दो सेल इसका क्या हो गया दो और चार ये भी हो गया दो और चार और शुरू कितने से किया था चार और आठ से दो सेल बन गए ना इन दो सेल्स को क्या बोलेंगे डायाड क्या बोलेंगे इन दो सेल्स को डायाड ठीक है ये आप थोड़ा टाइम लेगा अब ये दो सेल्स दो हेप्लॉइड सेल्स मिल चुके हैं मुझे क्या मिल चुके हैं दो हेप्लॉइड सेल्स अब ये बच्चों मेरे थोड़ा सा टाइम लेंगे थोड़ा सा टाइम लेंगे समझने के लिए लाइफ में आगे क्या करना है और उस टाइम को क्या कहते हैं इं इंटरकाइनेसिस क्या कहते हैं उस टाइम को मेरे बच्चों अरे स्लाइड खत्म हो गई एक सेकंड बच्चों सेकंड जी अब जो टाइम है उसे क्या कहेंगे इंटर काइनेसिस क्या टाइम है दिस इज अ टाइम बिटवीन दिस इज अ टाइम बिटवीन न्योसिस वन एंड न्योसिस टू ठीक है क्या है ये टाइम बिटवीन टू अब म्योसिस टू स्टार्ट करते हैं म्यूसिस टू किससे स्टार्ट होगी प्रोफेस वन से या प्रोफेस टू से क्या लिखो बच्चो क्या लिखो बच्चो ये yes, जल्दी बताइए क्या लिखो प्रोफेस वन या प्रोफेस टू यहां हम लिखेंगे प्रोफेस टू क्या लिखेंगे Proface 2. Proface 2, प्रोफेस टू प्रोफेस टू बिल्कुल माइटोसिस प्रोफेस जैसा है यानी कि यहां पर क्या क्या चीजें गायब होने वाली है कमॉन गाइस यहाँ पे न्यूक्लियर मेमब्रेन गायब होने वाली है यहां ईआर गॉल्जी न्यूक्लियोलस गायब होने वाला है Disappear. इसी के साथ साथ क्रोमोजोम क्या है कंडेंस होने वाला है फिर से क्रोमोजोम कंडेंजेशन होने वाला है और ये क्रोमोजोम किससे अटैच होने वाला है स्पिंडल फाइबर से अटैच होने वाला है सेंट्रियोल कहां मूव करेगा पोल्स पे मूव करेगा सेंट्रियोल सबका सब सेम होता हुआ सबका सब उसके बाद मेटाफेज टू आएगा मेटाफेज टू सारे क्रोमोजोम्स कहां मूव करेंगे वही सेम चीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं छोटे छोटे अक्षरों में लिख के यस फिर मेटाफेज टू में क्रोमोजोम्स कहा मूव करेंगे इक्विटोरियल प्लेट पे कहा मूव करेंगे क्रोमोजोम्स इक्विटोरियल प्लेट पे इक्विटोरियल प्लेट पे मूव करेंगे ठीक है मॉर्फोलॉजी पता लगेगी ठीक है जी अब बात है एनाफेज 2 पे जिसे मैम वापस से डब्बे में डाल रही क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये एनाफेज 2 बिल्कुल माइटोसिस के एनाफेज की तरह है यानी यहां पे क्या होगी स्प्लिटिंग ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर सेग्रीगेशन क्या यूज नहीं करेगा विडू क्या यूज करेगा स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर क्या होगा यहां पे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ठीक है जिसके कारण जो क्रोमोजोम है वो पोल्स पे मूव करेंगे यानी कि अभी तक सिचुएशन क्या थी न्यूक्लियस की टू प्लस फोर टू प्लस फोर थी अब यहां पे क्या होगा नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिमेन कांस्टेंट टू बट टू सी वैल्यू क्या हो जाएगी और हाफ हो जाएगी क्योंकि स्प्लिटिंग हो गई है क्या हो गई है स्प्लिटिंग हो गई है तो टू और टू रह गई ना स्टार्ट कहां से की थी आठ से फिर चार हुई फिर दो यस मेरे बच्चों ठीक है यस अब आएंगे टीलो फेस टू फिर होगी साइटोकाइनेसिस और आपके पास मिलेंगे चार हेप्लॉइड सेल्स यस ट नाना ट न ना बोल न जाना अब देखो यहां पे, मैं एक ह्यूमन सेल ले रही हूं अब मैं चाहूंगी सारे बच्चे मेरे साथ एक फाइनल पार्टिसिपेट कर दे इस वाली चीज में क्योंकि यहाँ वैल्यू पूरा का पूरा बताने वाली हूँ रिविजन ऑफ सेल का देखे ये ले लीजिए जर्म सेल बेसिकली उनिया ले लीजिए या स्पोमेटोग ले लीजिए लेट्स टेक स्पोमेटोग स्पोमेटोगोनिया

तो जी वन में टू एन और टू सी वैल्यू कितनी होगी अब जल्दी से बताओ अब एक एक करके हर स्टेप पे करते हैं आराम आराम से जैसे कि हम पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के जाए क्लास में यस yes, मेरे बच्चों आराम आराम से अभी कोई एस फेज नहीं हुआ है कोई डुप्लीकेशन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ बस सेल का साइज ग्रो हुआ है तो यानी कि यहाँ पे जो सेल मियोसाइट है उसमें 46, 46 था, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा 46, 46. कुछ चेंज नहीं हुआ है ठीक है ट्वेंटी थ्री क्यों लिख रहे हैं हम मैंने तो हेप्लॉइड बनाया नहीं अभी अभी तो मैं जीवन फेस पे हूं अभी तो मैं इंटर फेस पे हूं मैं तो अभी म्योसिस पे गई नहीं तो क्यों इतना एडवांस बन रहे हैं ज्यादा नॉलेज भी कई बार हानिकारक होती है स्टिक टू द कॉन्सेप्ट ठीक है बच्चों यस yes, अब देखो इधर अब ये एस फेज में जा रहा है सिंथेसिस फेज यहां पे टू और 2c वैल्यू कितनी होगी अब अब बताओ यहां पे क्या हो रहा है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स कांस्टेंट बट 2c वैल्यू बिकम्स डबल ये कॉन्सेप्ट सिखाया मैम ने तो यानी कि अगर स्पर्मेटोगोनिया एस फेज में जा रहा है तो इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रहेगा 46 ही रहेगा बट इसका 2c वैल्यू डबल हो जाएगा ठीक है और जब 2c वैल्यू डबल होता है तो वो 96 बन जाएगा एक सेकेंड कितना है फोर्टी सिक्स हाँ नाइन्टी टू नाइन्टी टू बन जाएगा ठीक है तो ये हो गया फोर्टी सिक्स और ये हो गया नाइन्टी टू क्या यहाँ तक सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर है चार्ट बॉक्स में बताइए ये वाला क्लियर है यस सबको एवरीवन ठीक है अब आगे चलते हैं देखो अब यहाँ पे जी टू फेस टू वैल्यू टू वैल्यू बताओ जल्दी से चार्ट सेक्शन में बताओ क्या रहेगी यहां पे क्या यहां पे कोई डिविजन हुआ है नहीं जो चीज यहां है वही सेम चीज यहां जाएगी यानी कि यहां पे भी क्या होगा फोर्टी सिक्स और नाइनटी टू फोर्टी सिक्स एंड 92 टू कोई चेंज नहीं हम्म अब आगे चलते हैं अब यहां पे आ रहे मियोसिस वन मियोसिस वन मियोसिस वन इज कॉल्ड एज डिजन रिडक्शनल डिविजन यानी कि इसमें रिडक्शन हो रहा है तो यहां पे 2n और 2c कितना हो जाएगा सेल में हाफ हो जाएगा रिडक्शनल डिविजन इज हाफ सब कुछ जो भी है सब कुछ हाफ हो जाएगा तो यानी कि 46 का हाफ कितना हो जाएगा 23 92 का हाफ कितना है 46 क्या हो जाएगा 46 आते हैं मियोसिस टू। जो की एक तरह की इक्वेशनल डिवीजन है क्या है ये एक तरह का इक्वेशनल डिवीजन है इक्वेशनल डिवीजन ठीक है यानी कि यहां पे 2n और 2c वैल्यू इक्वेशनल का मतलब है जितना क्रोमोजोम आपके पहले वाले सेल में था उतना ही सेम क्रोमोजोम रहेगा बट आपका डिवीजन के टाइम c वैल्यू हाफ होता है तो यानी कि यहाँ पे ट्वेंटी थ्री है तो यहाँ पे भी ट्वेंटी थ्री ही रहेगा बट टू सी वैल्यू ट्वेंटी थ्री हो जाएगा देख रहे हो बच्चों तो अगर मैं स्पोमेटो प्रोसेस के साथ इसे करूं तो स्पोमेटो में मियोसिस वन के बाद दो सेल्स बनते हैं उन में 23 और होगा और लास्ट में मियोसिस टू के बाद बनते हैं चार हेप्लॉइडेट जिसमें होगा ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी थ्री मैं इतना ज्यादा नहीं कनेक्ट कराना चाहती कहोगे मत करो एक नॉर्मल प्रोसेस समझो क्या हो रहा है ठीक है यस yes. या हाफ हो जाएगा ना ये भी सी वैल्यू ऑलवेज हाफ कोई भी डिवीज़न हो चाहे मियोसिस हो माइटोसिस हो सी वैल्यू तो हाफ होगी ही हो होगी ठीक है मेरे बच्चों यस yes. समझ में आया देखो पूरा सम अप कर दिया मैंने पूरे म्योसिस को टू एन और टू सी वैल्यू सारी जगह लिखवा दी है जिससे कि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो ठीक है तो इसमें एक, एक सेल है ठीक है बच्चों 30 है अब आपको बताना है कि इसके इस सेल के जो गेमीट्स बनेंगे गेमीट्स तब इसके 2n और 2c वैल्यू कितनी होगी ये मेरा क्वेश्चन है चलिए आंसर बताइए जल्दी से चैट सेक्शन में नींद आ रही है तो सो जा मेरे बच्चे मैं तो पढ़ाऊंगी नींद तो तुम्हें दिन भर आती है ये लास्ट है बच्चों कर लो एक बार एक बार और कर लो देखो यार ये कॉन्सेप्ट एक बार करके चले जाओ अभी ना ताजा ताजा कांसेप्ट है गेमेट बन रहा है तो मियोसिस होगी ना म्योसिस होगी ये देखो अब थर्टी है यानी कि यहां पे थर्टी दिया हुआ है अब ये एस फेज में जाएगा तो थर्टी और सिक्सटी हो जाएगा एस फेज में फिर ये जाएगा एम फेज में तो ये हो जाएगा फिफ्टीन और थर्टी फिर ये जाएगा एम टू में म्योसिस टू में तो फिफ्टीन और फिफ्टीन हो जाएगा तनु यही आंसर आया बच्चों दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कैसे छोड़ क्लास यार सब बच्चे सही आंसर दे ही ही नहीं नहीं रहे मन कर रहा जाने का यही तो कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है बाकी चैप्टर में है क्या है क्या फिर जब तक सब बच्चे सही आंसर नहीं दे रहे ही नहीं हो रहा जाने का क्यों नहीं कर पा रहे

अप्रैल तक का तो जितने डीपीपीज हो सकते हैं वो सॉल्व करो जितनी जितनी अच्छे से कर सकते हो करो क्योंकि एक महीना है जिसमें तुम्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है लाइफ में किसी भी चीज के साथ बच्चों यू कांट कॉम्प्रोमाइज विद अ सिंगल थिंग जल्दी से अटेंडेंस लग गई कल की एक छोटा सा काम मैं कहती हूं कि अटेंडेंस लगा के चले जाओ क्या उसमें इतनी आफत आती है भाई लगाओ फटाफट से लगाओ फटाफट से कितनी लगाई? सिर्फ तीन सौ बच्चों ने लगाई है मैंने तो सीरीज बंद कर देनी है सुबह पढ़ो तुम, हां पढ़ो सब मैं भी यार आके आराम अपने आराम वाले टाइम पे पढ़ाया करूंगी से सोच लिया है मैंने सोच लिया है मैंने अपन भी आराम के टाइम पे आके पढ़ाएगा अब से क्वेश्चन प्रैक्टिस टेलीग्राम चैनल कहां पर होता है बेटा अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की एप पे होता है

कोई हम नई सीरीज लॉन्च नहीं कर रहे दबाव हम पे आता है कि नहीं यार करो लोग ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं बट हम नहीं कर रहे आप देख रहे हो कि रफ्तार सर कर रहे हैं महाप्रलय चल रही है आ, नाइट शॉट्स चल रहे हैं हम कोई नई सीरीज नहीं कर रहे 20 दिन हो गए सीरीज को सेकेंड मार्च से शुरू की थी आज तक वही चल रही है कोई चेंज नहीं है किसी भी प्लान में बट यू नीड टू बी रेगुलर एंड डू अटेंड दिज टेस्ट अटेंडेंस लग गई या नहीं लगी अभी तक चलो यार फटाफट से अटेंडेंस लगाए से तो मैं जाने ही नहीं दूंगी तुम्हें बिना अटेंडेंस लगाए यस yes. मैंने जाने ही नहीं देना है समझ आ गया क्वेश्चन नहीं बन रहा कैसे कैसे नहीं बन रहे क्वेश्चन देखो ये देखो सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूसिस क्या है सिग्निफिकेंस रिडक्शन ऑफ क्रोमोजोम होता है अबव आंसर है सो सिंपल यस जल्दी बताओ लग गया अटेंडेंस कम ऑन गाइस फटाफट से अटेंडेंस लगाएंगे सब ऑल माय किड्स प्लीज अटेंडेंस एवरीवन वन नो बडी इज गोइंग विदाउट मार्किंग देयर अटेंडेंस टुडे नो बडी कम ऑन डन हाँ. कम ऑन गाइज जब यहाँ बैठ के चैट्स में बातें बना सकते हो तो फटाफट से ऑन कम ऑन नेक्स्ट सेशन का लिंक है वहां पे क्लिक करना है और फटाफट जाना है New families, मैं तो पढ़ पहले पहले पूरा पहले मेरे को तो पढ़ने दो न्यू फैमिली बायोटेक यूनिट में करा चुके मेरे बच्चे इस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी मैं आपको attendance, attendance, attendance. यस ऑन कम ऑन मैं कोमल को बुलाते हूँ चलो चलो हंड्रेड मोर हंड्रेड मोर मिसाल <स्काई> टेस्ट सीरीज <laughs> कराऊंगी हेलो हाँ कोमल आ जाओ ओके okay.